Next time, try Marlena. इन मोहतरमा का नाम है नंदिनी. हर वक्त ये मैडम सपनों में ही खोई रहती है. इनका नाम नंदिनी के बजाय ड्रीम गर्ल होता तो ज्यादा परफेक्ट होता. इनका फुल टाइम ऑक्यूपेशन मानो डे ड्रीमिंग ही है. खाते वक्त, नहाते वक्त, बैठे बैठे, चलते चलते, कहीं भी, कभी भी, यहाँ तक कि लेक्चर अटेंड करते वक्त भी ये अपनी आदत से बाज नहीं आती. रुको, मैंने जाने को कहा नंदिनी को, ये पूरी बारात क्यों जाने लगी? हैप्पीनेस के साथ ही तो सभी होते हैं सर. असली फ्रेंड वो है जो सैडनेस में साथ दे. कॉलेज के फर्स्ट डे को ही अग्रीमेंट साइन किया. बॉयफ्रेंड पटाने का सेलिब्रेशन हो या ब्रेकअप होने पे हार्ट ब्रेक. और सुहागरात को इडियट आउट.
एक बात बता, तू ऐसे चिल्लाई क्यों यार? Let me guess, विंडो पर इसके लिपस्टिक को किसी फटीचर स्टूपिड जोकर ने अपने भद्दे काले होठों से किस किया होगा। सही कहा ना नंदू? 100% करेक्ट। विंडो पे लगी लिपस्टिक को किस करने के लिए इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस? कोई रियल में किस करे वो हीरो कैसा होगा? मुझे किस करने वाला भले ही राजा ना हो, लेकिन मुझे किसी रानी की तरह ट्रीट करे। घर छोटा ही सही, पर उसका दिल आलीशान महल सा हो। मेरे मम्मी पापा से ज्यादा और मेरे बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा मेरा हरदम ख्याल रखे। कुछ और भी है? छोटे बच्चे की तरह मुझे खिलाए, जब मैं नखरे करूँ तो जबरदस्ती अपने हाथों से खिलाए और प्यारी सी पप्पी देकर मुझे मनाए। ऐसा लाखों में एक लड़का ख्वाबों में ही मिल सकता है। लाखों नहीं, करोड़ों में एक होगा मेरा हीरो। कहाँ मिलेगा ऐसा चार्मिंग हीरो? हाय डैड। हाय चैंपियन, कैसा है? उदास हूँ, क्या करूँ, आप मेरे साथ होते तो बहुत मजा आता। बेटा, तेरे साथ परमानेंटली रह सकूँ इसीलिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। डैड, आपको कुछ याद है कि नहीं? 12 बज गए, बीपी की टैबलेट ली? ओह आई एम सॉरी। काम के चक्कर में आपको कुछ याद नहीं रहता? अभी ले रहा हूँ, ये देख, ठीक है ना? अब खुश? मैं भला कैसे खुश रह सकता हूँ डैड, आपसे मिले हुए कितने दिन हो गए। मुझे तो ये भी याद नहीं कि आखिरी बार हमने साथ बैठ के कब खाना खाया था। डैड, ऊपर वाले का दिया सब कुछ तो है हमारे पास, फिर इतना काम करने की क्या जरूरत है? मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा हूँ बेटा, बल्कि वो लोग जिन्होंने सालों तक मुझ पर भरोसा किया उनके लिए कर रहा हूँ। पहले खुद को एस्टैब्लिश करो और जब कामयाबी मिल जाए औरों के लिए जीना शुरू कर दो, वरना बेटा दिल को कभी सुकून नहीं मिलेगा। सॉरी डैड, मैं आपकी तरह इतनी दूर की सोच ही नहीं पाता। काश मैं भी एक दिन आपके जैसा बनूं। मुझ जैसा खुशकिस्मत कोई नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे डैड हैं। डैड, मैं आज प्रॉमिस करता हूं कि आप जब दफ्तर में हो तो मैं अपनी शिकायतों का दफ्तर नहीं खोलूंगा। और मेरी फिक्र तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। ठीक है डैड। ओके बेटा, लव यू डैड। लव यू। मैं कह रही हूँ कि लड़की आपके हाथ से फिसलती जा रही है, सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। अभी बच्ची है बेचारी। ला 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 ला। नंदू, कहाँ जाने की तैयारी है? कॉलेज मम्मी। आज से तेरा घर से निकलना बंद। पर क्यों? कॉलेज लोग अपने सपने साकार करने जाते हैं, लेकिन यहाँ हमारी शहजादी को देखो, महंगी फीस पर बात करके खुली आंखों से सपने देखती है। ये सब किसने बताया आपको? तुम्हारे प्यारे प्रोफेसर ने, जो तुमसे बहुत परेशान है। वह चश्मेश एक नंबर का झूठा है, मैं तो सोते हुए भी सपने नहीं देखती मम्मी। एक उल्टे हाथ का झापड़ मारूंगी। प्रोफेसर अपना टाइम पास करने के लिए क्या ऐसी वैसी कंप्लेन करेगा? अगर कॉलेज से इतना ही प्रॉब्लम है तो किसी अच्छे लड़के से तेरी शादी करवा देती हूँ। मेरे पास कमरे में बहुत सी फोटो रखी है, उनमें से सिलेक्ट कर ले। मम्मी, इतनी जल्दी शादी नहीं करनी मुझे, अभी तो बड़ी बड़ी डिग्रीज लेनी है। इतने बड़े बड़े सपने देखने की जरूरत नहीं है, एक बार कह दिया ना, आज से तेरी पढ़ाई लिखाई बंद। ओ मम्मी प्लीज। पापा, आप ही अपनी स्वीटहार्ट को समझाओ। अरे डार्लिंग, जिद मत करो, इतने रिक्वेस्ट कर रही है बेचारी। नेक्स्ट टाइम को सपना देखा तो खुद टीसी कटवा दूंगा, अब तो हैप्पी ना? अच्छा, आप इसकी गारंटी ले रहे हो? अरे माँ बेटी के झगड़े में बेचारे बाप की बलि क्यों चढ़ा रहे? इतनी फिक्र है अपनी बेटी की तो अपने सर की कसम खिलाओ, चल खा। अपने पापा की कसम, आज के बाद आपको मेरी कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी मम्मी, पक्का प्रॉमिस। अब की बार तेरी कंप्लेंट आई, आखिरी दिन होगा कॉलेज का, कह रही हूँ। सॉरी मम्मी। चल जा। बाय पापा। बाय। देखो देखो, गिरगिट से भी तेजी से एक्सप्रेशन बदलती है ये। लगा दिया ना चूना, कभी दोस्तों को मैच के हाइलाइट्स दिखाकर शर्त जीतती है, कभी इंग्लिश टीचर को किस देने की शर्त लगाती है और बिना दिए जीत जाती है। दुनिया को उल्लू बनाने वाली दुनिया की इकलौती ब्लफ मास्टर, हमारी प्यारी नटखट नंदिनी, हमेशा वार्निंग देके छोड़ देने वाला ये प्रिंसिपल आज पहली बार आईसीयू के पेशेंट से ज्यादा सीरियस था। तुम्हें कॉमन सेंस है या नहीं है? कॉलेज में इस तरह से बिहेव करते हैं? ये लो, अपॉलजी लेटर पर साइन चाहिए तुम्हारे। दोबारा ऐसी गलती की तो तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना होगा। गेट आउट। तुम नहीं, यू गो। इसके साथ घूमना बंद करो, तुम्हारा करियर चौपट करवा देगी। चले तो कंपास बॉक्स को उसके क्या करोगे तुम लोग? चेहरे पे मार के ट्रायंगल या स्क्वायर बना दूं। कॉलेज के बाहर मिल जाए ना तो देख लूंगी इसे क्या समझता अपने आप को। हां, डॉक्टर अशोक को हार्टेस्ट विशेस, इसको भी डॉक्टरेट दी थी। Oh!
हो? कौन है तू? रुक, मैं बिजी हूँ। ए बात सुन। क्या है? मैं तुझे क्या है? हवा में पत्थर क्यों फेंक रही है यहाँ पर रास्ते पे खड़े हुए? मेरी मर्जी, मैं जो भी करूँ इससे तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम हो नहीं रही है, हो चुकी है। क्या प्रॉब्लम है? तू जो हवा में पत्थर फेंक रही है उससे मेरी गाड़ी का कांच टूट चुका है, जिसकी वजह से मुझे रास्ता नहीं दिखा और मेरी गाड़ी ठुक गई। इसमें मैं क्या करूँ? जब देखा कि पत्थर गिर रहे हैं तो सामने अपनी गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? कैसी बात कर रही है? दिमाग घुटने में है क्या? हेलो, ज़बान संभाल के बात करा। पहले मूड की ऐसी तैसी हो गई, चल जा, कट ले यहाँ से, निकल। ओए, ऐसी तैसी तेरी नहीं, मेरी कार की हुई है, जिसके पैसे तुझे भरने ही पड़ेंगे। मैं क्यों दूँ पैसे? तुझसे दहेज नहीं मांग रहा हूँ, हक के पैसे मांग रहा हूँ। ए, पाप का राज है क्या? नहीं देने वाली मैं पैसे, बोल क्या कर लेगा। लगता है तेरा घमंड दूर करने के लिए तुझे वायरल करना ही पड़ेगा। अभी दिखाता हूँ। इडियट, मेरी फोटो क्यों ले रहा है? 3D में प्रिंट आउट निकाल के उसकी पूजा करूंगा। फोटो क्यों ले रहा है? ये जब ऑनलाइन पे ट्रेंड होगा ना, तब पुलिस तुझे लेने आएगी, तब तुझे समझ में आएगा। ये सच में पुलिस स्टेशन चला गया तो? हेलो, ज्यादा एटीट्यूड मत दिखा, जल्दी से अमाउंट बोल, तेरे मुंह पे फेंक के मारती हूँ। अच्छा, तुझे पता है इसका कांच कितने का आता है? कितना? 2,000-3,000? 2,50,000। हाँ तो कौन सी बड़ी बात, क्या 2,50,000 रुपए? ये तो सिर्फ कांच का है, अगर बोनट का डेंट ठीक किया, पूरा पेंट वापस कराया तो कम से कम 1.5 लाख और लगेंगे, कुल मिला के 4 लाख रुपए। क्या कह रहा है, 4 लाख? हाँ, 4 लाख ओनली। अरे यार, कॉलेज गोइंग लड़की कहाँ से 4 लाख का इंतजाम करेगी? तू तो दिखने में ही खानदानी रईस लगता है, तेरे लिए तो मामूली सी रकम है ना। गलती समझ के इस बेचारी लड़की को माफ कर दे। जरूर माफ करता अगर तू तेवर नहीं दिखाती और बेचारी होने का ये नाटक पहले कर लेती। तू फक्कड़ है या अक्कड़ दिखाने से पहले सोचना चाहिए था, पर अब नो चांस मैडम। तू उन बच्चों में से जिनके माँ बाप ने बचपन में एक रैप्टा नहीं लगाया, उनकी गलती मैं सुधारूंगा। चल अब टाइम पास मत कर, मेरे नुकसान के पैसे दे और निकल। ये तो हाथों के पीछे पड़ गया, क्या करूं। हाय संध्या। ए, मेरे पैसे दे। उंगली दिखाती? बाय। किसी दिन तो हाथ में आएगी। उठ गई लुटेरी, के सपने में भी किसी को लूट रही है। कौन है तू? मैं तेरा बाप। ए, क्या बदतमीजी है ये? ये वही बदतमीजी है, याद कर, जो तूने मेरे साथ की थी। जैसे डील होने वाली थी तू बस पकड़ के भाग गई। ए, कौन सी डील की बात कर रहा है? रॉन्ग नंबर डायल किया होगा, फोन रख। 100% सही नंबर है जंगली बिल्ली। मुझे बिल्ली बोला ना तो तेरा मुंह नोच लूंगी, समझा? मुंह नोचने के लिए सामने आना पड़ेगा, भगोड़ी दम है तो आजा सामने। अरे सुबह सुबह नींद खराब करनी, कौन है तू? मैं हूँ अर्जुन। अर्जुन? कौन अर्जुन? भूल गई? वही जिसकी गाड़ी की तूने बैंड बजा दी और उसके नुकसान की भरपाई भी नहीं की। ओह माय गॉड। हेलो। क्या किया उसने तेरे साथ? मुझे एटीट्यूड दिखा रहा था, मैंने कहा बेटा तू मुझे जानता नहीं है। ओ जंगली बिल्ली। ये कौन है नंदू? ओ हेलो। हाय। कौन है वो? कितना डैशिंग है। सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट भेजा था, मैंने एक्सेप्ट क्या कर ली, तब से हाथ धो के पीछे पड़ गया। नंदिनी, 2 मिनट के लिए। अच्छा गर्ल्स, मैं बस आती हूँ। वाह जंगली बिल्ली, तू तो पहुंची भी निकली, फोन ऑफ कर दिया। एक्सपीरियंस फ्रॉड है। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप गाड़ी में जाके बैठ जा, वरना मैं तुझे उठा के भी ले जा सकता। ये मुझे कहाँ लेके जा रहा होगा? पुलिस स्टेशन? फिल्मों के विलन की तरह चेयर पे बिठा के इलेक्ट्रिक शॉक देगा, क्या पता क्या करेगा। मुझे छोड़ दो। क्या? जानबूझकर नहीं मारा था, वो एक एक्सीडेंट था, सॉरी गलती हो गई, माफ कर दो ना प्लीज, जाने दो ना। बस पर चढ़ के जो उंगली दिखा रही थी वो भी गलती से किया था। देख
4,00,000 रुपए मुझे ट्रांसफर कर, उसके बाद जो बस पकड़ के भागने का है भाग। This is not fair, huh? एक नन्ही सी जान इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से लाएगी? पॉकेट मनी तक नहीं मिलती मुझे। पतली मीठी आवाज निकाल कर मुझे चूना लगाना चाहती है? वो मतलब नहीं है मेरा, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, क्या करे? ऑप्शन है पर तू पूछेगी तभी बताऊंगा। क्या ऑप्शन है? नया नहीं, वही पुराना, किसी होटल में चले। क्या होटल? मेरी जूती भी नहीं जाएगी, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, समझे? हेलो, इस तरह उस तरह का कोई भी नहीं होता, समझे? होटल में कॉफी पीने के लिए पूछ रहा हूँ। आज मेरा मूड अच्छा है तो तुझे ऑफर देता हूँ, मेरा भी काम हो जाएगा और तेरा भी। क्या है ना कि जवान होने के बाद से तलब लगी हुई है कि एक क्यूट सी लड़की को किस कर सकूं, तो 4 सेकंड की किस के लिए 4,00,000 माफ कर दूंगा, और माथे या गाल पे नहीं, लिप टू लिप चाहिए। क्या कहा? किस? मैं तुझे किस करूंगी? नो चांस। तूने किसको समझ क्या रखा है? जो मेरा दिल जीतेगा, मुझे प्यार करेगा, मुझसे शादी करेगा, उसी को मैं अपना पहला किस दूंगी, प्रेशियस गिफ्ट की तरह। ठीक है, तेरी मर्जी, मुझे क्या, संभाल के रख उस किस को तिजोरी के अंदर, मेरा पैसा मुझे अभी के अभी दे। अच्छा, पैसे है ही नहीं तो दूं कैसे? तो तेरे पापा को फोन करके उनसे पैसे वसूलूंगा। फोन करोगे पर पापा का नंबर ढूंढोगे कहाँ से? इसमें उनका नंबर है, पापा की परी। प्लीज 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 प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, पापा को ये सब मत बताना, और अगर मम्मी को पता लगा तो सीधा मेरा कॉलेज ही बंद करा देगी। अब तो तू बुरी तरह फंस गई। गलती से भी उन्हें मत बताना प्लीज। अच्छा ये बता, तेरी उम्र क्या है? 17 साल कंप्लीट किए हैं। मतलब नाबालिग नहीं हो? क्या मतलब? मतलब कि ये अब तुम कोई भी पेपर साइन कर सकती हो, माइनर नहीं हो ना। हाँ? इतना टेंशन क्यों ले रही है, शादी के पेपर की बात नहीं कर रहा? अच्छा ये बता, 1 मिनट में कितने हार्ट बीट्स होते हैं? मेरे वाले में तो 72 हैं। फिर तो सेट है। मेरा भी सेम ही है। एक काम कर, 72 डेज तक तू मेरे साथ रह। तेरे साथ? असिस्टेंट बनके। ये देख, मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल चाहता है, और अब तुझे भी जो मैं कहूँगा वही करना पड़ेगा। 4,00,000 को 72 डेज से डिवाइड कर ले, आंसर है 5,555 रुपए और 55 पैसे। हर दिन मेरी ड्यूटी बजा और कर्जे से मुक्ति पा। ना तुझे एक्सपीरियंस है, ना कोई डिग्री है, फिर भी इतनी अच्छी नौकरी दे रहा हूँ तुझे। इस जन्म में ऐसी सैलरी कोई गलती से भी नहीं देगा तुझे, और 72 डेज के बाद मेरा तुझसे या तेरा मुझसे कोई नाता नहीं। तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। पर इट्स अनफेयर, अपने दिल से पूछो, तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे? मुझे तो नहीं लगता। पर मुझे लगता है, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तेरे पापा को फोन लगा के पूरी स्टोरी समझाता हूँ। बस 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 बस, मैं रेडी हूँ। किसके लिए? नौकरी के लिए। ओ, मैंने कुछ और ही समझ लिया। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। एक पेपर मिलेगा? ये ले, मेरे बताए सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिख और नीचे साइन कर दे। बेवकूफ लड़का, खाली पेपर पे मुझसे साइन करवा रहा है। अगर तुमने इनकी 4,00,000 फीस नहीं चुकाई तो 72 डेज इनका फुल टाइम असिस्टेंट बनके रहोगी, करेक्ट ना? देखिए अग्रीमेंट तो हम तैयार कर दूंगा, बट विद वन कंडीशन। कौन सी? देखिए एक बार हमने जब अग्रीमेंट छाप दिया तो प्रत्येक दिन आपको हमें रिपोर्ट करना होगा। अब देखिए इतने दिन ये आपके साथ रहेगी, इस बीच चिकनी सूरत पे आपका दिल फिसलने लगे, इस पर आपको तरस आने लगे, लव शव होने लगे, आपका दिल लट्टू की तरह घूमने लगे तो क्या? क्या बोलो? लव का इसके साथ? अरे इन केस ऐसा हो जाए तो? देखिए किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज अलाउड नहीं, इस एग्रीमेंट को हम सिर्फ कैंसिल कर सकता हूँ। आप लोगों का बीच ऊंच नीच, इलीगल लीगल हो भी जाए तो हमको खबर होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? मंजूर है तो अंगूठा दिखाइए। ओके। आप समझ लो एग्रीमेंट बन गया भैया। आज तो बढ़िया क्लाइंट से बोनी हुआ बे। देखिए भाई साहब, लेडीज के लिए कुछ स्पेशल लॉज हैं, ओनली 8 आवर्स ही वर्किंग रहेगा। ओवरटाइम करने का डिसीजन सिर्फ ये ले सकती हैं, आपका दाल नहीं गलने वाला है। और शाम को शार्प 8 बजे ड्यूटी से फ्री करना होगा, रात को रुकवाना इलीगल ही नहीं इमोरल भी है, समझ रहे हैं? एंड नाउ यू कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जाने अनजाने कोई रूल ब्रेक नहीं कर सकती हैं, ना कॉल अवॉइड कर सकती हैं, व्हाट्सएप या SMS पे मैसेज आया तो खटक से रिप्लाई करना। और हफ्ते में एक दिन एडजस्ट करके 12 घंटे ड्यूटी करनी होगी। ये कौन सा एडजस्टमेंट भैया? क्या मतलब? वीकेंड पे पार्टी के लिए आना कंपलसरी है। मैडम आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, पर 8 घंटे से ऊपर हुआ तो 2 शिफ्ट की नौकरी। अरे बिल्कुल करेक्ट है, डबल ड्यूटी लगेगा, ठीक है ना? ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट पर छाप दें। हाँ छापो। बढ़िया, बकरे फंस गए। ये लो कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, साइन करिए। ओके,
ये ले, तसल्ली के लिए एक बार पढ़ ले, उसके बाद साइन कर। इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस करना ही पड़ेगा। अरे हम भेजाओ सर, हमारा पैसा गांव के अकाउंट में डालिएगा, आधा हमारे अकाउंट में, आधा मम्मी के अकाउंट में, इनकम टैक्स बचता है ना। ओके। एक्सक्यूज मी। यस मैम। One mutton biryani, two chicken tandoori, one mutton pepper fry, three piece chicken lollipop, one chicken tikka. आपके लिए कुछ सर? हेलो हेलो, ये प्लेट इधर लाओ। ओके मैम। नीचे रख, बोला ना नीचे रख। मैं तुम जैसे छोटे लोगों के साथ खाना नहीं खाऊंगा। ये ले, बाहर जाके टपरी के पास जो ऑटो रिक्शा वाले पूरी भाजी खा रहे हैं वही खा, कार्ड सिर्फ दिखाने के लिए पे मत करना। और सुन, पक्का बिल लाना, कच्चा नहीं चलेगा, समझे? निकल। कितनी भूख लग रही है मुझे। मेरा चिकन तंदूरी। अरे अरे, एक लेग पीस तो छोड़ दे, जा तेरा पेट खराब हो जाए तो। कट कहीं का। बॉस। हेलो। इधर आ। ये दरवाजा ऑटोमेटिकली नहीं खुलता, चल खोल। प्लीज। ऐसे ही काम पे ध्यान देती रही तो 100 रुपए मिलते रहेंगे। अरे क्या ले ले? हे नंदू, कहाँ गायब थी यार? आजा बैठ। ऐसा क्या हुआ जी कि कल से मेरा फोन ही नहीं उठा रही? वो साइलेंट मोड पे था। यानी तुम और फोन दोनों वाइब्रेशन मोड में थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कब से जानती है उसे? वो बचपन से दोस्त है। बचपन की मासूम दोस्ती जवानी की भूल में बदली कि नहीं? ए, रुक जा, गाड़ी इतनी भी दूर नहीं गई है, ब्रेक लगा ले। एक्चुअली मुझे ही पसंद नहीं है वो, उसी ने लव यू कह के दिमाग खा रखा है। तुम कंफ्यूज्ड हो, यानी हमारा रास्ता साफ। हेलो, डोंट माइंड, पर मैं भी लाइन में खड़ी हूँ। ए, मुद्दे की बात कर। क्यों नंदू, अगर वो तुझे सच में पसंद नहीं है तो उसके साथ गाड़ी में क्यों गई थी? अच्छा ठीक है, बताती हूँ। उस दिन वो आया, मुझे साथ ले जाने की जिद की, मुझे लॉन्ग ड्राइव पे लेके गया। पूरे रास्ते नंदू आई लव यू, नंदू आई लव यू, मेरा दिमाग खराब कर दिया। उसने मुझसे कहा कि लाइफ लॉन्ग मेरी असिस्टेंट बनने को रेडी हो तो जल्दी से हाँ कह दो। उसके बाद मुझे अपने साथ 5-स्टार होटल ले गया। कितना मना किया मैंने, उसने मेरी फेवरेट डिशेस मंगवाई और छोटे बेबी की तरह अपने हाथों से खिलाया और फिर अपनी गाड़ी में मुझे घर ड्रॉप किया। कितना क्यूट है ना वो। ए, मुझे ऐसा क्यूटी पाई मिलता तो सिंगल रूम बुक करवा के पूरा वीक उसके साथ अंदर रहती। हाँ वैसे तो वो अच्छा है, पर उसे कॉलेज नहीं आने के लिए मैंने स्ट्रिक्टली वार्न किया, फिर भी आदम का इडियट। लो, शैतान का नाम लिया और हाजिर। हेलो, गुड मॉर्निंग। देर से क्यों आई? कॉलेज में थी ना। तो क्या हुआ? मुझे बहानेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं, अब इसके बदले में तुम्हें मेरा खास काम करना पड़ेगा। ठीक है, बताओ क्या करना है। मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है शीला, बेचारी रात भर वर्कआउट करके थक गई होगी। मैं जब तक तैयार होकर आता हूँ, उसे अच्छे से नहला धुला कर रेडी कर दो। तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे साथ रह के थक गई तो तुम रेडी करो ना, मुझसे क्यों कह रहे हो? मैं नहीं करने वाली। भूल गई, मैं हूँ बॉस और तू है असिस्टेंट। मैं जो भी तुझे कहूंगा तुझे करना पड़ेगा, जा।
यहाँ न कोई शीला है और न कोई पीला। ठीक से देख, ट्रेडमिल पर वॉक कर रही होगी वो। कोई नहीं है यहाँ, बस एक डॉगी एक्सरसाइज कर रहा है। खबरदार जो उसको डॉगी बोला। वही तो है मेरी डार्लिंग बेबी, उसी का नाम शीला है। शीला? पर ये तो बंदा लग रहा है। है तो बंदा ही, और उसे शीला नाम की फीमेल डॉगी से सच्चा प्यार हो गया था, तो उसकी जुदाई में इसने अपना नाम शीला ही रख लिया। स्टोरी समझ में आ गई? शीला बेबी बिल्कुल अपने बॉस पर गया है। तू गुड बॉय है ना? ठीक, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है? शीला रेडी है। गुड, मैंने बहुत ही नाजों से पाला इसे, तुम चंपू लोगोगी तो चलेगा। सुन, पर मेरी शीला टकाटक रहनी चाहिए, समझी? ओके। हेलो। पहुंची क्यों नहीं अभी तक? अरे मैंने मैसेज किया था ना कि लेट आऊंगी, क्लास में हूँ, अभी बात नहीं कर सकती, बाय। बोला था ना मुझे देर से आने वाले लोग पसंद नहीं, जल्दी आ वरना पगार काट लूंगा। बार-बार इसे किसका फोन आ रहा है? क्या पता क्या चल रहा है इसके साथ? क्या करूँ, समझ में नहीं। क्या 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 करे, बोल ना। नहीं ऐसी बात नहीं है, उसने मुझे अपने घर पे बुलाया। मिले हुए कुछ ही दिन हुए और सीधा घर पे बुला लिया। You are so lucky यार। ये तो स्पीड में भाग रहा है, तू भी भाग, कहीं तेरी स्पीड कम होने से ये गाड़ी हाथ से छूट ना जाए। क्लास से पंख कैसे मारूं? अपनी वो ही पुरानी टेक्निक। क्या हुआ? बेहोश हो गई है। कैसे? लो बीपी सर, लो बीपी। बॉडी एकदम ठंडी गिर गई है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, लेके जाओ उसे हॉस्पिटल में। थैंक यू सो मच। क्या क्या हुआ? तुझे 100% बताना होगा। 100% बताऊंगी। बाय बाय। सुन नंदू, अपनी सेफ्टी के लिए इसे रख अपने साथ। तुम लोगों को ये कहाँ से मिला? एडवेंचर करने वाली तुम जैसी हर बोल्ड फ्रेंड के लिए हम स्टॉक में रखते हैं। बाय बाय। ये क्या है? एक पेपर पे साइन क्या किया? तुम जब चाहो मुझे जहाँ भी बुला लोगे। मेरे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कॉलेज टाइम में यहाँ नहीं आ सकती। हो गया, आज मेरे फ्रेंड्स आने वाले, मैंने पार्टी रखी है और उन्हें तू सर्व करेगी, जा तैयार हो जा। मैं क्या वेटर हूँ जो उन्हें सर्व करूंगी और शोपीस की तरह उनके सामने खड़ी रहूंगी? ये जो तेरा इडियट बॉस है ना, उसे मैं सबक सिखा के रहूंगी, तू बस देख। बताती हूँ उसे मैं, समझता है। हाय। हाय। यस, थैंक यू, माय प्लेजर। बॉस, सबकी खातिरदारी अच्छे से कर। चलो, कितने दिन से तू ये काम कर रही है? फर्स्ट टाइम। ना ड्रेसिंग सेंस है, ना शक्ल है, ना फिगर है, आ जाती है मुंह उठाकर वेट्रेस बनने के लिए। अब दो भी। तू अंधी है क्या? तूने मेरा डिजाइनर ड्रेस खराब कर दिया। सॉरी मैडम, माफ कर दो। दो टके की लड़की होकर मुझे जवाब देती है? रो क्यों रही हो? सॉरी बॉस। गेस्ट को हाथ से खिलाने बोला था, उनके हाथ से खाने को नहीं, समझे? क्या बक रही थी तू, मोटी भैंस? तू पैग अंदर क्या गए, मुझे एटीट्यूड दिखा रही थी। 5 सेकंड में 5 शॉट मारे, अब बताती हूँ मैं कौन हूँ।
क्या कह रही थी तू? कोई फिगर नहीं है मेरा। 32, 26, 28 साइज 0 कहते हैं इसे, समझी? पार्टी में आई है, जो भी पीना है गटक ले, खाना ठूस ले और चलती बन। तुझे कमेंट मारने के लिए किसने कॉल कर दिया। देखो उसने तो सिर्फ हाथ से मारा था, तूने हाथ से भी मारा और डायलॉग भी मारा। एक बात चढ़ती है ना तो मुझे कुछ होश नहीं रहता। तुझे चढ़ी हुई है? तूने पी कब? तूने मुझे एक के बाद शॉट लगाते नहीं देखा? वो तो सिर्फ सोडा था। वो सोडा था? हेलो। हेलो, किधर है तू? हाँ, घर पर हूँ। कब से फोन करा, उठा क्यों नहीं रही है? मुझे आज बहुत बुखार हो गया, सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। ठीक है, घर पे आराम कर, बाहर निकल के वायरल मत फैला। ठीक है। ये ला 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 बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। फोकट का हॉलिडे है आज तो, खूब सोऊंगी, पूरा दिन डांस ही करती रहूंगी आज तो। इस सेम ड्रेस में वीडियो कैसे बनाया? यहाँ कैमरा छुपा के रखे हैं क्या? ओह माय गॉड, मेरे कमरे में कैमरा कहाँ? हेलो। वाह 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 वाह, बहुत टैलेंटेड निकली तू तो। जितना अच्छा डांस करती उससे अच्छा झूठ बोलती है। जल्दी कपड़े पहन ले, ठंड लग जाएगी। अब जरा बालकनी में आ जा, शर्मा मत, थोड़ा सा और रख। अब अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठा। अब 10 मिनट के अंदर फटाफट रेडी होकर नीचे आ जा, वरना तेरी फोटो और अग्रीमेंट सब जगह छाप के आ जाऊंगा, समझी? प्लीज 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 ऐसा मत करना, मैं आ रही हूँ, बस 2 मिनट। शानी, दिखता नहीं है क्या तुझे? नशे में है क्या? चीजें उठा के यहाँ वहाँ फेंक रही है? दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं आता क्या? पर बॉस, तुम जैसे वर्कर क्लास लोगों की ना यही प्रॉब्लम है, थोड़ी सी ढील क्या दे दो, अपने आप को मालिक समझने लगते हो। जानती है ये कौन है? मेरा जिगरी दोस्त, ये आज ही दुबई से लौट कर आया है, और आते उसके मुँह पे फटका फेंक दिया तूने। तेरी थे अर्जुन, जाने देना यार। अबे तू इसको जानता नहीं है, निकल चल। हेलो, सॉरी बोल के जा। सॉरी? कोई बात नहीं। बॉस के सामने इतना अकड़ के जा रही है तू? सॉरी बॉस। गेट आउट, निकल। बॉस बनेगा मेरा। हेलो। भाड़ में गई तेरी डील, कल से काम पर नहीं आने वाली, जो करना है कर ले, जा। हमारी नींद खराब करने का कारण बताइए। तूने इस जोकर को यहाँ पर बुलाने के लिए बोला था ना, अब गुंगी क्यों बन के खड़ी है, बकबक कर। अरे हम आपको जोकर लगते हैं? ये आया इसका बाप आया, किसी से नहीं डरती, बस कल से तेरे साथ काम नहीं करने वाली, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जा। मुझसे बदतमीजी से बात की ना तो एक घुमा के दूंगा तेरे को। मुझे मारेगा? मर्द की औलाद है तो हाथ लगा के दिखा, कम ऑन। और तू तू क्या यहाँ रेफरी बनने आया, कुछ बोल। अब क्या बोले हम? क्या बोलूं क्या, इसने अपने दोस्त के सामने मेरी कितनी इंसल्ट की, जैसे कि मैं इसकी नौकरानी हूँ। ऊपर से 4 लाख रुपए का फर्जी बिल बना के मुझे बेवकूफ बनाया, 25,000 से ज्यादा खर्च नहीं हुए होंगे तेरे। ऑडी तेरे बाप की कंपनी है जो सिर्फ 25,000 रुपए खर्चा होगा। खबरदार, जो मेरे डैड के बारे में कुछ कहा तो
तो मम्मी का नाम ले लो, चलेगा ना? अरे सुनिए सुनिए, और जो तूने कुछ करा चुप कर वरना अच्छा नहीं होगा। ए वकील, कैसे करेगा? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्रीमेंट कैंसिल आज और इसी वक्त। अरे मैडम, ये ट्रेन का टिकट नहीं है जो कैंसिल हो जाएगा, एग्रीमेंट में छप गया तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। एक अग्रीमेंट कैंसिल नहीं कर सकता और अपने आप को वकील बुलाता है? तू क्या जज भी कहेगा ना तो कल से काम नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। इसे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अरे मैडम सुनिए तो। क्या है? अरे हमारी जो फीस थी। फीस? अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, आपको हमने डिस्काउंट दिया, जाइए जाइए, 50%। हाँ जी सर, हमारी फीस। कोई की फीस? कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं किया कि नाइट चार्जेस अलग से लगेगा। चलो कोई नहीं भैया। आप कौन है? पापा को बुला। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। साइड आउट। हे, कौन है तू? हाय अंकल, प्यार से सब मुझे अर्जुन कहते हैं। स्टाइल एटीट्यूड्स ऑफ क्लासी। और फिलहाल नंदनी का बॉस हूँ। बॉस मतलब? अपनी लाडली से ही पूछ लो। ये सब क्या चल रहा है नंदू? मम्मी वो मैं। कोई कुछ बताएगा? ये डरपोक क्या बोलेगी, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। चलिए फ्लैशबैक में, वंस अपॉन अ टाइम। और अब अचानक से कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाकर असिस्टेंट बनने से मना कर रही है। देखिए मुझे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, वो दे दीजिए मैं दफा हो जाऊंगा। किस बात के पैसे? जो मैंने इतने दिन काम किया उसका क्या? बोलना। अगर वो सच में आ गया तो। हाय। रात को तो अकड़ में बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दे रही थी, सुबह उठ के क्या हो गया, सारी अकड़ निकल गई या अभी भी कुछ बाकी है? वो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम ये डील खत्म कर दें। वो कैसे? उस दिन तुमने कहा था ना कि दो किस करके मामला खत्म हो सकता है। वो ऑफर तो क्या सोचा? किस करने आई हूँ, फिर हमारी डील खत्म हो जाएगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। ठीक है, शर्त याद है ना, दो किस। पर सिर्फ मैं एक बार किस करूंगी। वो क्यों? मैं इतने दिन से काम भी तो कर रही हूँ ना। अच्छा ठीक है, तो यहीं पे शुरू हो जाए या फिर अंदर चलोगी? नहीं नहीं, यहाँ ठीक है, अंदर नहीं जाएंगे। तो आ जाओ, मैं रेडी हूँ। मैं भी रेडी हूँ। क्यों दिया, क्या हुआ? अगर किस करने के बाद भी तुमने अग्रीमेंट पेपर वापस नहीं किए तो? हेलो, मैं तेरी तरह फ्रॉड नहीं हूँ। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पहले पेपर्स दो फिर किस लो। अरे रे रे रे, अच्छा मेरे साथ चाला किया? पेपर मिलते ही तू अपना असली रंग दिखाएगी, तेरी शक्ल पर लिखा झूठी है तू। झूठी मैं नहीं, तुम झूठे हो। ठीक है, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है, मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है, तो एक काम करते हैं, ये फैसला अपने रेफरी पे छोड़ देते हैं, चलेगा? ठीक है, बुलवा लो। दो मिनट में मेरे घर पर आ वरना तुझ पे केस ठोक दूंगा। हेलो सर, आपने हमको दो मिनट दिया, हम एक मिनट में आ गया हूं। क्या प्रॉब्लम है? मैडम किस दे के केस को रफा दफा करना चाहती हैं? अरे तो झपट लीजिए। लेकिन इसे मुझ पे भरोसा नहीं है, इसलिए गवाह की जरूरत है और तू बनेगा हमारा गवाह। लाइव किस? एक मिनट सर है। किस देकर मैटर क्लोज करना चाहती है ताकि हमारी कमाई बंद हो जाए। मम्मी कसम इनको आज तो किस नहीं करने देंगे। हाँ जी, तो कैसे करना है, पहले किस या अग्रीमेंट? पहले किस। फर्स्ट अग्रीमेंट। केस। अग्रीमेंट। केस। कंट्रोल योर इमोशंस। वकील आया है इसलिए तो आया है, एक लल्लन टॉप आइडिया है। बता। अभी टॉस से फैसला होगा, हेड्स आया तो अग्रीमेंट पहला आएगा और टेल आया तो पहला किस देना होगा। डन करते हैं। ओके 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 ना। हाँ? ये तो टेल आया है, पहले किस करना होगा। मैडम चले कीजिए। मैं नहीं मानती ये सब, इसमें पक्का कुछ गड़बड़ है, कोई और आइडिया है तो बोल। कोई और आइडिया? एक गेम है हमारे पास, चिट फंड घोटाला। मतलब? अरे बताते हैं अभी। ये देखिए, एक चिट में लिखा है कि पहले अग्रीमेंट देना पड़ेगा और दूसरे में लिखा है पहले किस देना पड़ेगा। इसको हम जोर से हिलाएंगे फिर हम देंगे और एक चिट निकालना पड़ेगा, और चिट में जो लिखा होगा वो तो करना ही पड़ेगा। ओके ना? हाँ ये चलेगा। हाथ बढ़ाओ। ये वाला। ये देखो, इंग्लिश में लिखा है किस, हिंदी में कहते हैं चुम्मा। मुहूर्त भी अच्छा, चलिए शुरू हो जाइए।
अरे किस कहा था थप्पड़ का है मारी? किस करे मेरी जूती? पहले कॉइन में किस आया, फिर चिट में भी आया, ये कैसे पॉसिबल है? मुझे पहले से ही डाउट था कि तुम दोनों मिले हुए हो, पर अब कंफर्म हो गया। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं तो ना सही, पर किस का मैटर खत्म। चल हट। मिशन सक्सेसफुल। हेलो, आज घर के बजाय या होटल के रूम में क्यों बुलाया? अगर उसने कुछ किया तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी और भाग जाऊंगी। मैम, क्या है? मे आई कम इन? फ्रेंड्स, इस हफ्ते गोवा चलते हैं। कम हियर। हे गाइस, ये है नंदिनी, मेरी हाय फ्रेंड। हाय हाय नंदिनी, संडे को गोवा में हमारे एक फ्रेंड की वेडिंग है, हम सब लोग वहां जा रहे हैं, तुम्हें भी आना है। मुझे भी आना है? हाँ, क्यों? एक्सक्यूज अस प्लीज, एक मिनट आओगे? देखो सॉरी, पर मैं गोवा नहीं आ सकती। क्यों नहीं? मम्मी पापा मुझे कहीं भी जाने नहीं देते, वो किसी हाल में नहीं मानेंगे। मान गए तो? मतलब? वो सब तुम छोड़ो ना, अगर वो भेजने के लिए मान गए फिर तो आओगी ना। हाँ ठीक है, इस जन्म में क्या सात जन्म उन्हें कन्विंस नहीं कर पाओगी। हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं, अगर मैं गोवा गई तो एक दिन को 3 दिन काउंट करना होगा। किस लिए? फुल 24 आवर्स तुम्हारे साथ रहूंगी, पर डे 8 आवर्स ड्यूटी है ना, तो 8 × 3 = 24 आवर्स ड्यूटी ना, तो उस हिसाब से पर डे 3 दिन माइनस करना पड़ेगा तुम्हें, ओके ना? जोड़ ले हिसाब में। अरे सुनिए सुनिए जी, ये देखिए, हमें शॉपिंग मॉल के लकी ड्रॉ से फ्री ट्रिप मिला है बैंकॉक के लिए, पूरे 5 दिन। अरे भाग्यवान, टोटल बोगस है ये, बैंक अकाउंट हैक हो जाएगा, पूरे कंगाल हो जाएंगे हम लोग, जल्दी से डिलीट करो इसे। देखो कौन है। मैडम कुरियर, इधर साइन करो। देखिए बोगस है ना ये कागज भी, फ्लाइट की टिकट भेजी है, कल सुबह फ्लाइट है। सुनिए जल्दी करिए, अपनी फ्लाइट मिस हो जाएगी। नंदू घर का ख्याल रखना, 5 दिन में लौट आएंगे। बाय बेटा। बाय पापा। डायरेक्ट होटल चलते। हाय 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 अर्जुन। अच्छा एक बात बता, ये नई एंट्री कौन है? ये है मेरी फ्रेंड नंदिनी। ओह हाय। हाय। क्या बात है ब्रो, तुम लोग शेड्यूल से 4 दिन पहले ही पहुंच गए। मेरे प्यारे, 4 दिन बाद तुम लोगों की लाइफ तो बोरिंग हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ उससे पहले बैचलर लाइफ के फुल मजे उड़ा ले, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, तो जल्दी से ड्राइवर को बोल सारा लगेज उठा के होटल रूम में रख दे। और तुम लोग? दोस्त जमा हो गए, बस एक जग्गी की कमी रह गई, कहाँ पर है वो? उसकी एंट्री हमेशा स्पेशल होती है। योर ठिकाना इज कमिंग, उतर जाओ बेबी।
तुम जेम्स बॉन्ड जैसा दिखता है। नो नो नॉट जेम्स बॉन्ड, आई एम वन एंड ओनली देसी ब्रांड। तुम बाइक एकदम हीरो माफिक चलाते हो। बाइक चलाने के साथ साथ हीरो माफिक सो मेनी थिंग्स करता हूँ। टेक इट। ओह थैंक यू। एक सेकंड रुकना। कीपिंग दिस, दैट इज माय विजिटिंग कार्ड। ओके। 24/7 मैं अवेलेबल रहता हूँ स्पेशल लोगों के लिए, बस एक कॉल कर देना। ओके थैंक यू, बाय बाय। हेलो जग्गे, किधर है मेरा भाई? तू किधर है मैन? मार्बला बीच, बस 2 मिनट की दूरी पे। हाय बेबीज, ऐसा लगता है सारी लड़कियों को अपनी डार्लिंग बना लो। हाय यू बॉय, ये ले कैच, डार्लिंग, ये लो। मदिरा के सब दीवाने होते हैं, ये ले। और ये लास्ट मेरे लिए। क्या आदमी है यार, मैं तुझे 4 पहिया देने को तैयार हूँ, तो यहाँ 2 पहिये पे ही घूम रहा। छोकरियों को पीछे बिठाने का मजा ही कुछ और होता है भाई। जब तक हमारी जवानी है तब तक एंजॉय करने का हमको पूरा हक है, बुढ़ापे में देखा जाएगा। रही जलपरी कौन है? काहे की जलपरी मेरी असिस्टेंट है। असिस्टेंट योर? किधर से मिली तेरे को ये असिस्टेंट रे? इसको तो देखते ही दिल में घंटी बज गए, नजर हटी नहीं रही है। चाल ढाल देख के तो अपना दिल फिदा हो गया। माय दिल कम ऑन हर बेबी, प्लीज दोस्ती करवा दे, दोस्ती करवा दे, दोस्ती करवा दे ना। अबे तू जानता नहीं अजीब बला बहुत पछताएगा। अरे तेरा दोस्त हर बला का ताला है रे, बस एक बार हाय तो करवा दे, फंस जाएगा तू। इन लव एंड वॉर फेयर इज एवरीथिंग, नहीं करवाना है हाँ तो छोड़, मैं देख लूंगा। उसको दौरे पड़ते हैं, तू संभाल पाएगा? समटाइम समटाइम ना, तब तो मैं मैनेज कर लूंगा। देखना मेरी हूर परी लगती है, अगर उसका इलाज दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं करेगा ना, मैं इसके लिए दिल का डॉक्टर बन जाऊंगा। मुझे सूली पे चढ़ने का इतना शौक है तो कर दूंगा। तो तेरे जैसा, तेरे लिए नहीं, ये तो उसके लिए है। हेलो, मी सेल्फ जग्गी, अर्जुन फ्रेंड सेल्फ ड्राइवर, एज 28, हाइट 6 feet, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, लिव इन गोवा। ओह हाय, आई एम नंदिनी। हे नाइस नेम। हाँ ये लो। ये क्या है? अरे कुछ नहीं है, रख लो। पर किस लिए? नंदो कभी कभी ऊपर वाला भी ना इंसाफी कर बैठता है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं पर ये दरवाजा जरूर खुलता है। लेकिन कौन सा दरवाजा? वेट टाइम प्लीज नंदू, लड़कियां फ्रेंड्स या पेरेंट्स से जो प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकती उनको सुनने के लिए गॉड हम जैसे नाचीज को भेज देता है, तुम रख लो अपने पास। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मेरा गिफ्ट समझ लो नंदू। गिफ्ट? सारे रोग खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। बाय। समंदर नहा के नमकीन हो गई हो, पागल लगता है कोई। गल्याल साकरी सोन्याची ही पोरी कोनाची, अरे इसकी अदा मेरा दिल ले गई है। दिल की चाबी इसने फेंक क्यों दी? बेचारी डर गई होगी कि एक पोल ना खुल जाए। गल्याल साखली सोन्याची, कुछ भी बोल यार, कुआ का जवाब दे। अच्छा सही बोल रहा है। खाना इतना टेस्टी है कि मेरी आवाज कान तक पहुंची ही नहीं। मेरा पास करना वहां से। दिल की चाबी थोड़ा मुझे भी दे ना। दरवाजा खुलेगा धीरे से खोलो। अब Here I am, therefore for you. ऐसे स्टाइल में काटता हूँ कि पट्टी जाएगी। चक 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 चक। Ah.
खाओ ना। लड़की छेड़ेगा तू? हाँ? ए, अकल नहीं है छोटी बच्ची हो क्या? हम लोग सब वहां पे साथ में थे ना, तुम्हें इतनी अकल नहीं कि ग्रुप के साथ रहना चाहिए? नशे में दो अनजान लोगों के सामने मटकती फिरोगी तो कोई तो रिएक्ट करेगा। मैं तो बस वैसे गलती होगी जब तुझे अपने साथ ले आया। हट। सागर की नाव। हे जग्गी। ए, नंदू तुम यहाँ आ गई? मुझे कसीनो जाना है, तू मुझे ले जाएगा? तुम्हारी इच्छा है तो कसीनो क्या, स्वर्ग में भी ले चलूंगा। वेलकम सर। थैंक यू। जग्गी बाजी लगाए? हाँ लगाओ ना। ये हे नाजुक हाथ। ये चक्की हम जीत जाएंगे ना। थैंक यू। बस पौने 2 लाख और फिर सब फर्स्ट क्लास हो जाएगा। वरी नॉट नंदू, ये चिल्लर से क्या होने वाला है? अमीर बनना है तो बड़े गेम खेलो ना। 1 मिनट। जकी, व्हाट इज दिस? 20 सेकंड, लक्की नंबर ऑफ माय। व्हाट आर यू डूइंग? इनमें से एक उंगली चुनो। हे अगेन 22। नहीं नहीं नहीं, जग्गी जग्गी देखो क्या तू सब चला जाएगा। ये तो मेरा पुश्तैनी धंधा है, जुआ इन माई ब्लड इज। हे स्पिन। हां वही बॉल वही रुकेगा। 20 सेकंड। क्या जरूरत थी सब करने की? पता नहीं मैं कैसे हार गया, ये तो चीटिंग लगती है। 1 मिनट मैं खड़ा हूं ना, रुको तो सही। नंदू ये लो, अब खेलो। जक्की ये क्या है? मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया, तुम खेलो ना।
के मैं कंगाल हो गई। अरे दिस इज माय इज्जत का सवाल, बनियान नहीं मिलने वाली। अब मैं क्या करूं? अरे अब क्या करना है, कैसीनो में हारे लोगों के लिए यहाँ पर फ्री में मदीना मिलती है, बस वो हम दोनों गटकेंगे और होटल चल चलेंगे। नशा बोतल में नहीं होता। वो तो होता है उसमें गिरी मदीना में, उसको पी लो। ए जगी, इधर आ, मेरे सामने आ। बोलो क्या हुआ, लुटेरी गर्लफ्रेंड कुछ चाहिए क्या? मुझे क्यों मारा है? अगर गैम्बलिंग ही करना था तो जीतने वाली जगह लेके जाता ना। कैसीनो इज माय फादर नॉट, जो हमेशा तुमको जीतवाता रहा। तुझे पता नहीं था जीतते कैसे है तो मेरा सारा पैसा क्यों लगाया? यू लूजर, तू लूजर है। खेलना नहीं आता तो मेरे को लेके क्यों गई थी और अभी पछता रही है? नशे में कौन है, मैं या तू? चल चेक करते हैं। चल मशीन में फूफू मारते हैं। नशे में नहीं है तो ये बोल के दिखा। 66 66। अरे ऐसे नहीं तो कैसे? 66 ऐसे। 66 66 66 66 तेल लगाने गया। दैट आई एम टेलिंग नो, तेरे को सॉलिड चढ़ गई है। पियक्कड़ बेवड़ी नशेड़ी है तू। मैं नशे में नहीं हूँ समझा? अरे तू ही उतारेगी क्या? अभी बताती हूँ तुझे। अरे माँ छोड़ मेरे को। इसे लो, पकड़ो, हैंड पकड़ो, कस के पकड़ो, कस के। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गई। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। ए जगी, इधर आना मेरे स्वीटी पाई। क्या है जग्गी? आज ढेर सारा पैसा जीत जाती ना तो सीधा उस अकड़ू अर्जुन के मुंह पे मार देती और उसके बाद ग्रैंड पार्टी देती, फिर बिना किसी की परवाह किए सीधा अपने घर चली जाती। अच्छा जग्गी, हम अभी कहाँ पर हैं? समंदर किनारे बैठे हैं, देखना बदन भी भीग गया है। पर क्यों? भूल गए, कल शादी है। किसकी शादी? तेरे फादर मदर की। उनकी शादी की फोटो में तू नहीं थी ना, तो अभी तेरी फोटो लेने के लिए वो लोग वापस शादी कर रहे हैं। सच में? और क्या। कितनी अच्छी बात है ना। चल दूल्हा दुल्हन को तैयार करते हैं। जग्गी क्या हुआ, कैसीनो में पैसे जीत के मेरे मुंह पर फेंकने का प्लान फ्लॉप हो गया? कुछ भी कर ले, जब तक कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पूरा नहीं होता तुझे मेरे साथ रहना ही पड़ेगा। I, Frank D'Souza, offer this ring as a sign of my fidelity. And in my happiness and my sadness, I will love my husband. ए भाई, नंदू को देखने के बाद ना कुछ और दिखाई नहीं देता। अबे फिर शुरू, लगता है तूने दिल से याद किया, देख आ रही है इधर ही। मेरा भाई यही मौका है, कल तो हम लोग सब जा रहे हैं यहाँ से, तू आज ही जा और दिल की बात बोल डाल। भाई 100 सड़क छाप लोगों को अकेला धो सकता हूँ, पर छोकरी की बात आती है। अबे तेरे को सालों से जानता हूँ मैं, ये ओवर एक्टिंग ना उसको दिखा। सच कह रहा हूँ। Excuse me. क्या है? I want you to talk personal thing. सुन रही हूँ, जल्दी बोल। Want my life hand over you. तेरी life? मतलब? Means life. बोले तो love हो गया मुझे। Love क्या? Yes नंदिनी, yes. तुम्हें वाटर से निकलते देख क्वार्टर से भी ज्यादा नशा चढ़ गया, और तुम मेरे करीब आते ही दिल में सुनामी से लेके लेवल 250 तक का साइक्लोन उड़ गया। तब जाके समझ आया कि प्यार कितना बड़ा भवंडर होता है। नंदिनी आई लव यू।
देख तू औरत है इसलिए तेरी इज्जत कर रहा हूँ, नहीं तो ना। जा जाके शक्ल देख अपने आईने में, तू मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा। अरे मैं बॉयफ्रेंड का पति भी बन के दिखा दूंगा, ऊपर वाले ने ऐसा बनाया तो मैं क्या करूँ। मेरे जन्म से पहले माँ ने जामुन तोड़ के खा लिया रहेगा, क्यों तेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते ऐसे। मिर्गी मुझे? किसको? मुझे? तेरे मालिक ने। ओ इसलिए मुझे तूने लोहे की चाबी गिफ्ट में दी थी? और नहीं तो क्या, नहीं तो फॉरेन जाके वर्ल्ड बैंक के लॉकर की चाबी लाके दूंगा तेरे को। अपनी बकवास बंद कर और जाके बुला उसे। बुलाता हूँ ना। अर्जुन, ए अर्जुन, कहाँ गया? झूठ बोलता है? ए, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुझे दौरे पड़ते हैं। मुझे दौरे पड़ते हैं? फिर बोला ना तो देख लेना। ए, एक क्या हजार बार बोलूंगा, नंदिनी को दौरे पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, नंदिनी को फिट आती है, नंदिनी को फिट आती है, नंदिनी को दौरे। बढ़ाया बॉयफ्रेंड बनने। हट। अबे कूदना, नीचे जाने से पहले खून सूख जाएगा, सांस रुक जाएगी और हार्ट स्टॉप हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, कूदना। अरे आई एम ओनली वन सन ऑफ माय मदर, मैं नहीं जाऊंगा। अरे इतनी गहरी नहीं है, बिंदास जा। अबे तू क्या रोज माप के देखता है क्या, गहरी नहीं है बोलने को? ओ माय गॉड, नीचे देखते डर लग रहा है। सेव मी, हजारों लोग करते हैं, तू क्यों इतनी टेंशन ले रहा है? अरे सुनना जग्गी, जग्गी, अरे इतना डर क्यों रहा है? और नीचे गिर भी गया तो सिर्फ पानी तो है। अबे पानी है तो मैं क्या करूँ, मेरे मरने के बाद गंगा जल छिटकेगा क्या मुझ पे? मैं नहीं जाऊंगा। अरे तू नहीं मरेगा मेरे भाई। अबे अगर मैं मर गया ना तो ना ये हिम्मत काम आएगी और ना ही तेरी नसीहत बाजी। अरे सेफ्टी के साथ जाने दे उसको, जाने दे, मैं देखता हूँ। हाय मैडम, जंप करने आई हैं? यस। आपका वेट कितना है मैडम? 48। ओ 48। अगर वेट ज्यादा हुआ तो रूप टूटने के चांसेस हैं, बी केयरफुल। ओके एक्चुअली 53। ओ 53, मोटी वाली रस्सी लगेगी। वेट बता के भैंस कूदी मारेगी तो रस्सी पक्का टूटेगी, नदी का पानी बाहर आ जाएगा। तेरा वजन कम है, तू जा। मैंने तो पहले ही बोला ना कि मुझसे नहीं होने वाला। ऑल द बेस्ट। ले, एक लड़की जा रही है, शर्म कर, लानत है तेरी मर्दानगी पे। अरे कुछ हुआ तो इंश्योरेंस तो है ना? ए, किसी और के ऐश और एंटरटेनमेंट के लिए मैं क्यों भला कूद जाऊं? तू एक काम कर, तू अपना इंश्योरेंस मेरे नाम पे कर दे और आराम से शौक से कूद जाना। एक्सक्यूज मी, आप कूदेंगे? नो 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 नो, कांट आई। तो फिर मैं हार्नेस हटा देता हूं। भाई हटा दे, हटा दे। आप हैं, ओके? तुम्हारी टेम्पररी असिस्टेंट बन के रही, अगर हो सके तो मुझे अपना परमानेंट असिस्टेंट बना लो। आई मिस यू, आई लव यू, आई रियली लव यू अर्जुन। Thank you.
ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? अपनी सिस्टर को ऐसे बन ठन कर देख कर हैरानी हो रही है? ए शीला, एक सीक्रेट बताऊं, आज किसी को प्रपोज करने वाली हूँ। मैं अच्छी दिख रही हूँ ना? फर्स्ट टाइम किसी को प्रपोज कर रही हूँ। सच सच बताना, कैसी लग रही हूँ? ओफो, ओके ट्राई करती हूँ। अर्जुन सुनो ना, पहले पहले मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आता था। तुम मुझे बहुत इरिटेट करते थे। इडियट, स्टूपिड, क्या नहीं कहा तुम्हें। एक्चुअली फिर कुछ दिन के बाद तुम मुझे अच्छे लगने लगे। मेरा सारा गुस्सा प्यार में बदल गया। आई लव यू अर्जुन, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझे खुद से भी ज्यादा अच्छे लगते हो। डू यू लव मी? ये हे, कैसा लगा तुम्हें मेरा स्टाइल? अच्छा लगा ना? तुम्हें अच्छा लगा तो उसे भी लगेगा, पक्का पटा लूंगी उसे। चलो मुझे ऑल द बेस्ट बोलो। अर्जुन। अरे नंदिनी, तुम यहाँ? बहुत अच्छी लग रही हो। आज इतनी सज धज के किस लिए? बात क्या है? अर्जुन, मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। एक्चुअली मुझे भी तुमसे कुछ कहना था। एक सेकंड। क्या कहना चाहता है? ठीक है, पहले इसी को बोलने देती हूँ। हाँ, नंदिनी, बोलो क्या कह रही थी तुम? नहीं नहीं, पहले तुम बताओ। पहले तुम बताओ। नहीं, पहले तुम। एक्चुअली बात यह है नंदिनी, आज से ना मैं बॉस हूँ ना तुम असिस्टेंट, ना तुम्हें ऑर्डर दूंगा, ना तुम पे गुस्सा करूंगा, ना टॉर्चर करूंगा, ना तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ करने पे मजबूर करूंगा। इनफैक्ट आज के बाद मेरा टेम्पररी असिस्टेंट बनने की जरूरत नहीं है। इतने दिनों तक मैंने तुम्हें कुछ जरूरत से ज्यादा ही सताया, बट अब सब बदल जाएगा। हर बात का एक सही वक्त होता है और मुझे उसी सही वक्त का इंतजार था और यही सही वक्त है। पर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं तुम्हें। बात यह है कि नंदिनी, आज मैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूं। कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम आजाद पंछी हो। यू आर अ फ्री बर्ड। सही पकड़ा ना, इसी के बारे में बात करने आई थी। मैं अच्छी तरह से जानता था कि आज की तारीख तुम कभी भूल ही नहीं सकती और सुबह होते ही फटाफट मेरे सामने आ जाओगी, इसीलिए तुम्हारे कहने से पहले मैंने उसे फाड़ दिया। मानती हो ना, कमाल का बॉस हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम सारी शर्तों को पूरा कर चुकी हो। कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती कर दी हो तो दिल पे मत लेना। मैं जिंदगी में कितनी भी असिस्टेंस रख लूं पर तुम्हारी जगह कोई नहीं ले पाएगा। और हाँ, तुमने इतनी मेहनत की उसके लिए स्पेशल बोनस दे रहा हूँ। आज के दिन तुम्हारी छुट्टी, जो चाहे करो। इतने दिन काम किया है, अब एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अग्रीमेंट एंड होने में अभी भी 5 घंटे बाकी हैं। तब तक रुकना चाहूंगी। ओके। नंदिनी। हाँ? कभी यहाँ आने या मिलने का दिल करे तो शर्माना मत। ओके? बाय। जी आप यहाँ हैं मैडम, हमें अर्जुन सर का फोन आया था, कहते हैं आज एग्रीमेंट का लास्ट डेट है। अच्छा, आप लोग अपने आप एग्रीमेंट कैसे खत्म किए? अरे हम वकील हैं, पहले फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी करने देते। खैर ये लीजिए, उन्होंने साइन कर दिया है, अब आप भी अपना ऑटोग्राफ दीजिए, उसके बाद आप दोनों फ्री। आज के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट रद्दी कीजिए। इतना क्या सोच रही है मैडम? इतने दिनों से तो आप इसी दिन का इंतजार कर रही थी ना, अब आज वो दिन आ गया है, अब जल्दी साइन कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है, उधर हमारा क्लाइंट बैठा, उनको फंसाना है। एक बात कहें मैडम, एक पेशेवर वकील होने के नाते हमने ये केस लिया था, लेकिन आज जब ये केस खत्म हो गया है तो आपसे एक बात कहते हैं, एक वकील नहीं, एक दोस्त या बड़ा भाई होने के नाते हम आपको एक एडवाइस देना चाहते हैं। ऐसे बिगड़ैल रईसों से आपको नहीं भिड़ना है,
ऐसे एग्रीमेंट में कभी मत फंसना मैडम। ये देखिए बहुत खतरनाक हो सकता है। जरा सोचिए माँ बाप ने आपको कितने प्यार से पाला पोसा। हमको जिंदगी एक ही बार मिलता है, हमें कोशिश करना है कि माँ बाप को कभी दुख ना पहुंचे। उम्मीद करते हैं आप ऐसे कभी ना फंसे। अब चलते हैं हम, ख्याल रखिए अपना। बॉस, तुम्हारी एक्स असिस्टेंट नंदिनी। शायद फिर यहाँ ना आ पाऊँ, इसलिए सोचा आज ही विश कर देती हूँ हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। यहाँ आने से पहले लाइफ को सीरियसली नहीं लिया, मेरी दुनिया सिर्फ मुझ तक ही सीमित थी। मेरा कोई सपना साकार ही नहीं हुआ, क्योंकि रात के बजाय मैं दिन में सपने देखती थी। जब से तुम्हारी असिस्टेंट बनी, इन 2 महीनों में लाइफ की प्रैक्टिकलिटी सीख गई, किस तरह के इंसान से कैसे डील करना है। लाइफ को देखने का नजरिया बदल गया। तुम बहुत अच्छे टीचर हो, ये एक्सपीरियंस लाइफ लॉन्ग काम आएगा। तुम्हारा सिखाया हर एक लेसन याद रखूंगी। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। थैंक यू नंदनी, थैंक यू सो मच। नंदिनी, नंदिनी, नंद, एक्सक्यूज मी सर, कॉफी। 2 कॉफी क्यों? आप ही ने ऑर्डर किया था। एक्सक्यूज मी, 2 कॉफी। 2 क्यों, मैं तो एक ही पीता हूँ। मेरा भी पीने का मन कर रहा है, इसलिए मंगाई। तुम यहाँ आराम से पियो, मैं उस कोने में पी लूंगी। चल उतर। हाँ? घूर क्या रही है, उतर नीचे। ये तो बिल्कुल सुनसान जगह है, प्लीज वहां तक छोड़ दो ना। ये शेयरिंग टैक्सी नहीं है, उतर, वरना वापस वहीं पे ले जाऊंगा जहाँ से अभी थोड़ी देर पहले निकले थे। हाँ? रहने दे, मैं मैनेज कर लूंगी। ये सब मुझ पे भौंक रहे हैं, इनके आगे गई तो पक्का मुझे काट लेंगे। तो काटने दे, क्या हुआ, सांप थोड़ी है जो उनके जहर से मर जाएगी तू।
फोन वापस कर। छोड़ जल्दी फोन दे। छोड़ वरना अपन तेरा फोन तोड़ देगा। नहीं तोड़ना मत, तोड़ना मत। आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। सांस फूल रही है, लगता है तुझे पैसों की जरूरत है। ये ले रख ले और मेरा फोन दे। एड़ा हो गया क्या? इतने पैसों में ऐसे दो फोन आ जाएंगे बे? दो के ऐसे हजार खरीद सकता हूं, पर जो यादें इस वाले में बसी है ना, उन्हें दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। अगर उन्हें खो देता तो बर्बाद हो जाता। आखिर ऐसी क्या बात है, दिखा आप उनको। अबे तू तो फोटो देख के ही इतना ज्यादा सेंटी हो रहा है। तेरी शक्ल पे लिखा है कि तू इससे प्यार करता है और चाहता है कि ये लड़की हमेशा तेरे साथ रहे ना। कोई चीज जब अपने पास होती है ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब वो अपने से दूर जाती है तो ऐसा दर्द महसूस होता है ना कि इसका इलाज दुनिया में किसी भी डॉक्टर के पास नहीं होता है। मेरे भाई, तेरा फोन चुराने के लिए दिल से माफी मांगता है। इतने पैसों में अपना काम बन जाएगा। अर्जुन, 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 ए, मैंने पूरा घर छान मारा और तू यहाँ पर आकर सोया पड़ा है। अरे जग्गी, तू अचानक कब आया? तू सब ठीक तो है? तीन दिन से फोन कर रहा हूँ लेकिन तू मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा है, इसलिए मैं देखने आया कि तू जिंदा है कि नहीं है। क्या हुआ यार? कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोल, इट डजंट सूट यू। नंदिनी को मिस कर रहा हूँ यार। नंदिनी? अच्छा वो असिस्टेंट? अबे उसको असिस्टेंट मत बोल, समझा? ये असिस्टेंट को असिस्टेंट नहीं तो क्या प्रेसिडेंट बोलू क्या? सच बोल, प्यार हो गया है ना? टेंशन नॉट मैन, लव तो वायरल बीमारी जैसा है, जुकाम की तरह सबको हो ही जाता है। ये प्यार व्यार मुझे नहीं पता, बस हर वक्त उसकी याद आती है। अबे फिट्स की बीमारी जुकाम से भी ज्यादा भयानक है। जगे कूल, देख भाई मैटर सीरियस है, इतना तो मैं समझ गया हूँ। अब तेरा लव मेरा मिशन बन गया है, जुगाड़ करता हूँ कुछ, चला जा। अरे चलना रे जगी, यही उसका घर। नंदिनी, नंदिनी। अंकल, घर पर कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं। हाय संध्या। हे हाय अर्जुन। हाँ। यहाँ कैसे आना हुआ? वो हम नंदिनी से मिलने आए थे। नंदिनी यहाँ क्यों होगी? कल उसकी शादी है। शादी है? किधर? गांव में। तुम शादी में नहीं गई? नहीं, मुझे कुछ पर्सनल काम था, अभी वहीं पर जा रही हूँ। अच्छा सुनो, मुझे भी जाना, हमारे साथ गाड़ी में चलो। क्यों जाओगे? रास्ते में बताता हूँ। जग्गी सामान ले गया इसका। कर लगता हूँ क्या? अर्जुन, ए नंदू, ये मेरी दुल्हन वाली ओढ़नी है, शादी की जल्दी मुझसे ज्यादा तुझे? क्या है ना, तूने फोटोज खींचने के लिए जिसे बुलाया था ना, वो फोटोग्राफर मेरी ब्यूटी देखकर पगला गया और बोला फोटोशूट करते हैं। कहने लगा तुम दुल्हन से ज्यादा अच्छी लग रही हो। सुपर मॉडल लग रही है, खुश एक दूंगी ना घुमा के, जल्दी से उतार इसे, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। ठीक है। वाह, बाजी अब तक हमारे हाथ में है। अरे
अबे तुझे तो पका थी। अबे इसको अपनी फिरकी लेती है ये, बस एक बार गले लग जाए ऐसा किस करूंगा ना इसको कि जिंदगी भर किसी को शेंडी नहीं लगाएगी। अरे अब क्यों टेंशन ले रहा है, जिस बात का असली टेंशन था वो तो दूर हो गया। तेरे लिए सरप्राइज है। hey, चली चल, आ जा। hey, नंदिनी, नंदिनी। क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? कौन है आप? ये कैसा सवाल है, हम इतने दिनों तक साथ रहे और आप पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? लाइफ एक जर्नी है, रोज हजारों लोग मिलते हैं, एक एक का नाम तो याद नहीं रख सकती ना। वैसे क्या काम है? तुझसे एक बहुत जरूरी बात कहनी थी। एक्सक्यूज मी, रिस्पेक्ट। सॉरी, मतलब तुमसे जरूरी बात कहनी थी नंदिनी। मैं रास्ते चलते हर अजनबी से बात नहीं करती। नंदिनी प्लीज, नंदिनी, नंदिनी, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? एक मिनट बात नहीं कर सकती क्या? क्यों करूं? तुम मेरे फ्रेंड लगते हो या लवर हो या रिश्तेदार? हाँ, क्या लगते हो मेरे? मैं क्या लगता हूँ ये तो नहीं जानता, इतना जानता हूँ कि तुम मेरी सब कुछ लगने लगी हो। तुम्हारे जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, एक बेचैनी सी रहने लगी। जब तुम साथ रहती थी तब ऐसा महसूस नहीं हुआ, पर जब से तुम दूर गई हो ना, मन में एक हलचल सी रहती है। तुम्हें देखे बिना एक दिन भी अच्छा नहीं गुजरता, पता नहीं कब और कैसे पर तुम्हारे बिना जीना मुश्किल हो गया। हाँ तो? I love you, नंदिनी। सोचा नहीं था कि ये बात तुमसे कहूंगा, पर अब ये मेरी जिंदगी की हकीकत बन गया है। मैं जानता हूँ नंदू, जब तुम मेरे साथ थी तो हर दिन मैंने तुम्हें बहुत बेइज्जत किया, बहुत बार जलील किया, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। नंदिनी तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। हो गया तुम्हारा? जो नहीं हुआ वो करना चाहता हूँ, एक नया अग्रीमेंट बनाना चाहता हूँ जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाने के लिए। सॉरी, ना तो आज मेरा ऐसा कोई इरादा है और ना ही कभी होगा। दिन में सपने देखना छोड़ दिया है मैंने। नंदिनी, हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। ये पहली और आखिरी बार था, फिर ऐसी हरकत की तो पछताओगे। मदिरा का सहारा नहीं होता तो दिल टूटने पे लड़कों का क्या होता? जगे, मैंने दिल खोल के इतने प्यार से बात की, फिर भी उसका पत्थर दिल पिघला नहीं। एक माँ ही होती है जो आधार कार्ड में हमारी गंदी फोटो देखने के बाद भी जिंदगी भर हमसे प्यार करती है। करेक्ट। लड़कियों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर अगर देखो तो वो हर 10-10 मिनट पे अपना DP बदलती रहती है। ए जग्गे, मैं कच्चा आशिक नहीं हूँ, उसके घर के नीचे ही डेरा लगा दूंगा, वहाँ से सीधा बारात उसके फ्लैट में जाएगी, देखना। वो बैंगलोर नहीं जाएगी। ब्राउन बाल वाली बोतल से सिर फोड़ दूंगा तेरा, जा जाके चुल्लू भर पानी में डूब मर, कम से कम हम तो चैन से रहेंगे। चुप कर, अपने को टिप दे रही, भगा मत। हाँ बोलो। कॉलेज से इंटरनल ट्रांसफर ले लिया है, अब यहाँ म्यूजिक की डिग्री लेने वाली है, अब इसी शहर में रहेगी। हम कल सुबह ही लौट रहे हैं, सोचा तुम्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए, अब चलते हैं। चलो। ए, ए जग्गी, सुना ये कलमुइया क्या बोल के गई है, अब क्या करूंगा? योर लव कपूर माफिक हवा में उड़ गया, मतलब कोई चांस नहीं। जग्गे, जिसके लिए हूर परिया छोड़ के आया वो मुझे ही टांग देकर जा रही है, मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगा, अलार्म लगा 5 बजे का। अरे 5 बहुत लेट हो जाएगा। अच्छा, हम लोग 4:55 पे निकलेंगे। अच्छा ठीक है, पर अंदर जो तड़प मची है उसका क्या करूँ जग्गे? अबे योगा कर रहे क्या? ये लव ना मदिरा के माफिक है, एक हैंगओवर देता है, एक हार्ट ब्रेक करता है। ऐसे डायरेक्ट नहीं पीने का। पहले तो फूलों की बरसात कर। Yes.
अर्जुन। ए क्या है बे? अरे उठना यार, लेट हो रहा है। कहाँ जाने के लिए लेट हो रहा है? अरे रात को तूने ही बोला था ना कि 5 बजे उठ के निकल जाएंगे, लेकिन अभी 8 बज गए यार। चल चल निकलते। अबे कौन बेवकूफ बेवड़ों की बातों पे यकीन करता है? नशे में आदमी सच बोलता है पर उस पर अमल नहीं करता। प्यार साइकिल जैसा है, होता तो सिंगल सीट है पर मेहनत करके उसे डबल सीट बनाना पड़ता है। और मेरी साइकिल तो डबल सीट चल रही थी, अब तो सिर्फ उसकी चेन निकली है। एक बार चेन फिट किया तो फिर से डबल सीट पे हम दोनों सवार हो जाएंगे और प्यार के सफर पे चलने लगेंगे। कुछ समझ में नहीं आया क्या? इस बार फिर उसे मजबूर करूंगा पर प्यार करने के लिए। अगर तुझे प्यार के कॉन्सेप्ट में विश्वास है तो साथ में रुक सकता है, वरना बसेस चालू है, टिकट काट और निकल ले। रुकूंगा लेकिन रहेंगे कहाँ? अबे तेरा तो पता नहीं दोस्त, पर मैं तो उसके दिल में ही रहूंगा, समझा? तो जगी, हाँ कैसी लगी जगह? ओके, मेरे पैलेस के आगे तो चाय पानी कम है, मतलब मेरे स्टैंडर्ड से लो है, पर कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। ए मामू, बॉल इधर फेंक। ए इधर आ। क्या बे छोटू, मामू किसको बोला बे? तेरा मुंह तोड़ दूंगा अगर वापस मुझे मामू बोला तो, समझा? मामू नहीं बुलाओ तो और क्या बुलाऊ? चल बॉल दे जल्दी। बॉल चाहिए? चल भाग। नहीं देगा। हाँ नहीं दूंगा। ट्वेल्थ प्लेयर बॉल देगा या इस विकेट से तेरा विकेट उखाड़ के फेंक दो, बॉल वापस कर जाओ कि नहीं? क्यों नहीं दूंगा, ये लो ये। एक बॉल के चक्कर में ये बच्चे हमारी वाट ना लगा दे। न्यू एंट्री हो क्या? जी मैडम। किस काम से आए हो? मुरझाया चेहरा बता रहा है हारा हुआ मजनू अपनी गर्लफ्रेंड की तलाश में यहाँ आया है। लव का मैटर है? वन वे ट्रैफिक या टू वे ट्रैफिक? अरे वन वे, टू वे होता तो इतनी दूर झक मारने के लिए आते। अंकल ठहरो ठहरो, वो उससे बात कर रही है। आप अपनी बड़ी नाक बीच में क्यों लेके आ रहे हो? तू अपनी बात बोल। एकदम चिकनी क्यूट शक्ल है, तुम्हारा काम तो हो जाएगा। थैंक यू। तुम्हारी लव को पूरी टीम का सपोर्ट है। गिव हिम अ हाई फाइव। थैंक यू गाइस। ऐसा क्या? इतना भाव मत दो, वो मेरे लिए आ रहा है। चलो यहाँ से। तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? फॉलो नहीं करूं? ठीक है तो साथ में चलता हूँ। वो देखो, तुम्हें लगेगा तितली के पीछे एक तितली है, पर ऐसा नहीं है। उस तितली के पीछे एक तितला घूम रहा है। मेरी नंदिनी, जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ उसका 1% भी प्यार करने वाला मुझे दिखा दो, मैं उसी पल से तुम्हारा पीछा करना छोड़ दूंगा। मैं तुझे साइको दिखती हूँ? न मुझे तुझसे बात करनी है, न शक्ल देखनी है। Please don't disturb me, okay? No response, straight going? अरे जगी, उसने बात करने से मना किया है पर प्यार करने से नहीं। आशिक के लिए लड़की की डांट और फटकार टॉनिक का काम करती है। लड़कियों का दिल ना कभी भी पलट सकता है क्योंकि वो सिक्के की तरह होता है, बस उसे उछालने वाला कोई चाहिए। एक बार उसके टॉस का बॉस मैं बन गया, फिर पूरी बाजी मेरे हाथ में होगी। इनके दिमाग को पूरा पढ़ने में शायद हम चूक जाएं, पर जहां तक दिल की बात है हम उसे जीत सकते हैं। भगवान भला। थैंक यू। मैंने कुछ नहीं किया। अरे अभी मैंने भी नहीं किया। अरे तूने भी नहीं, मैंने भी नहीं, कुकर जैसी घटिया सिटी किसने बजाई? अपुन ने। मी ब्रदर, सॉरी। तेरी सिटी की वजह से हमारा बैंड बज जाता। बैंड तो बजेगा मैन, लव में सब कुछ जायज है। मेरे पास माचिस है, तुम्हारे पास सिगरेट है? एक सिगरेट उधार प्लीज। थैंक यू। बहुत अच्छे। तो बताओ मैन, तुम्हारा लव स्टोरी कहाँ तक पहुँचा? मेरी तो अभी शुरू हुई है, तुम्हारी बताओ? अपुन ने तो एक साथ 3 कबूतरों के सामने डाने डाले, लेकिन हीरे की कदर कौन करता है? तो फिर अरेंज मैरिज। वाह, फिर तो लाइफ सेट है तुम्हारी। खाक सेट है मैन।
अपुन की 3 GF थी और वाइफी के 6 BF थे। सातवें दिन में शादी खलास और हमारा डिवोर्स हो गया। अब किसकी जान खा के जी रहे हो? सोशल सर्विस करके तुम जैसे लवर्स की लाइफ में फूलों की खुशबू फैलाता हूँ। फूल बेचने वाले हो क्या? होल्ड इट, फूल नहीं बेचता। आई एम अ ब्यूटीफुल फ्लावर मर्चेंट। बर्थडे बुके से लेके शादी और सुहागरात का फ्लावर डेकोरेशन करता हूँ। भिखारी से लेके राजा की अर्थी पे फूल चढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। आई हैव माई ओन फ्लावर शॉप मैन। टेक केयर, बाय। एक तीली बची है, एक और सिगरेट मिल जाता तो कल के लिए। नाइस, चलो, थैंक यू। ये क्या बॉस, मैंने तो एक सिगरेट मांगा था, तुमने पूरा पैकेट दे दिया। पैकेट फुल है, सिगरेट एक ही है। लाइन क्लियर है। बाय बाय। जाएगा मैडम? गांधीनगर। 500 रुपया लगेगा। हाँ ठीक है। अरे बॉस, मुझे भी उसके पास में जाना है। प्रेम नगर। 400 रुपए दूंगा। प्रेम नगर, ये किधर को है? मैं 800 रुपए दूंगी। और मैं तुझे 900 रुपए दूंगा। हाँ। मैं 1000 रुपए दूंगी। 1000 रुपए? मेरे पास 100 कम है। एक काम कर, तू इसी को साथ ले जा। दोनों का झोल झाल है। ये किसने बोला बैठने को? 1000 रुपए दे रही हूँ ना। तो क्या हुआ, 5000 दोगी फिर भी नहीं बैठाएंगा मैं? आजा भाई। ओए जल्दी जल्दी। वो 1000 दे रही थी, फिर उसे क्यों नहीं लेके गए? छोकरा लव करे और छोकरी बात ना करे, समझा? 10 मिनट तो साथ है ना, मांगता है ना। एकदम सही। जी भर के उसका दीदार कर ले, इतना ही काफी है। अब यही बताओ, थोड़े पैसों के लिए तुमसे ये गोल्डन चांस छीन लेता क्या? बचपन से आप इतनी फिल्म ऐसा ही थोड़ी देखा है भाई। करेक्ट करेक्ट। ऑटो में आएगा ना तो लव सॉन्ग का पूरा कलेक्शन है उनके पास। क्या बात है, हाथ मिला मेरे यार, हाथ मिला। मान गया मान गया, क्या आदमी है यार तू। वैसे ऑटो तुम चलाएगा क्या? नहीं तो हाथ छोड़ो ना। बस यहीं पे लो। आ गया, ये लो। किसी बस स्टॉप पे मिले। ठीक है, आओ पधारो। अरे जग्गी, अरे डैड की कार यहाँ? वो अंदर ही है, चला जा। डैड। हे अर्जुन, कैसे हो बेटा? हे क्या बात है बेटा, मैं तुमसे मिलने बेंगलुरु गया था और तुम यहाँ अटके हुए हो, गर्लफ्रेंड के चक्कर में टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्यों भाई, इस चक्कर का मुझे कहीं और से पता चला? ऐसे तो नहीं थे तुम। डैड, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आप पे उंगलियां उठें। अब नंदनी बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या वो बहुत सुंदर है? अब खुद कैसे तारीफ करूं, आप ही देख लेना। यूं समझ लीजिए मम्मी की परछाई है, वैसी ही सादगी, वैसी ही अच्छाई, वैसी ही अंडरस्टैंडिंग। मम्मी की हर एक खूबी उसमें मौजूद है। मैं उसे कन्विंस करूं? जब प्यार मैंने किया है तो मनाऊंगा भी मैं ही। वादा करता हूँ मॉम के बर्थडे तक मैं उसे आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो आप जहां कहेंगे वहां शादी कर लूंगा, लेकिन आपकी इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगा। hey, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। शरद, रवि। hey, शीला बेबी। कितने दिनों बाद देखा मुझे। अरे लगता है तू भी मुझसे नाराज है। शायद इसकी जिंदगी में कोई और आ गया है। बेटा अपने पुराने साथियों को कभी इग्नोर नहीं करना। सॉरी डैड। इट्स ओके, टेक केयर बेटा, बाय। बाय डैड। बाय अंकल। बाय। चलो। हाँ,
मिस हो गई। हाँ, मिस हो गई। ड्रॉप कर दूँ क्या? नो थैंक्स। हाय बॉस, क्या बात है? हाँ, ये रोड पे लाइन लगा के क्यों खड़े हो? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो है, बस मिस हो गई है और लड़की भी। डोंट वरी मैन, मेरी ये शानदार ट्रक कब काम आएगी? हाँ चलो। ए वेट वेट, तुम्हारा चेहरा रोमांटिक है, फूलों के बीचों बीच आके बैठो, यानी कि ट्रक के पीछे आके बैठो माय मैन। और मैं? तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं लगते, इसलिए मेरे साथ आगे बैठो। इसे अपने सर पे बैठा लो। कसरत करके मेरी थाइस बहुत ही स्ट्रांग हो गई हैं, कोई भी ताकतवर चीज उठा सकती है, इसलिए आप डबल सीट बैठो मैडम। ठीक है, वेरी गुड। आप पीछे जाइए, आप मेरे साथ आइए मैडम। अरे सड़ी शक्ल मत बनाओ, आप आइए मैडम, अभी तू कहाँ आ रहा है? वहाँ जा, आराम से बैठिए। अंकल अंकल अंकल, मैं भी आ सकती हूँ? दीजिए, वेलकम वेलकम वेलकम, आइए मैडम। भाई इसको भी अंदर ले लो ना। आराम से बैठिए, आप बिल्कुल मेरी भतीजी जैसी दिखती है। अरे वाह, किस्मत भी अपना साथ दे रही है, बस का टायर पंचर। हाय बेब्स। माइकल। यस बॉस। आगे थोड़ी बैठने की जगह है? ओह गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे तो बिल्कुल जगह नहीं है। तो फिर गाड़ी धीरे धीरे चलाना भाई। अरे मेरा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है स्लो चलाने में, अब तो मैं कछुए से भी स्लो चल रहा हूँ। जाते हो, कभी बस मिस हो जाती है तो कभी लड़की मिस हो जाती है। Now see, this is my beautiful flower shop. कहिए तो मैं आपको यहाँ पे नौकरी दे सकता हूँ। नौकरी के साथ साथ पैसा भी मिलेगा, रोज आते जाते फ्रेंड्स को देखिएगा और आंखें भी सेकिएगा। 10,000 की सैलरी के साथ मदिरा भी मिलेगी। ओके विथ यू? डबल ओके। पर इसका क्या? एक के साथ एक फ्री में इसको भी रख लेता हूँ। दिन के खाने पीने में जो कुछ बचेगा चारे के नाम पे इसे चरने दे दूंगा। जबरदस्त। अब लगे हाथ इसके साथ जॉब की टाइमिंग्स भी डिस्कस कर लो। टाइमिंग्स में डिस्कशन करनी क्यों है तुम? एक बात बता दो, टाइमिंग को लेके मैं एकदम पंक्चुअल हूँ। वेरी गुड। मैं सुबह के 8 बजे एकदम तैयार रहूंगा। परफेक्ट। लड़की की बस ठीक 8 बजे यहाँ से गुजरती है, उसका पीछा करना है। वेरी नाइस। उसके बाद 10 बजे वापस घर पे आना है। फिर जब शाम के 4 बज जाएंगे तो लड़की को कॉलेज से रिसीव करके सीधे उसके घर पे छोड़ना है और शाम को 6 बजे सो जाना है। रात को क्या करोगे? रात को भी सोएंगे। और दिन को? तब भी सोएंगे। अरे रे रे, दोनों टाइम खराटे भरोगे तो काम कब करोगे मैम? ज्यादा हार्डवर्क करने से एफिशिएंसी खराब हो जाती है। जितना काम लोग 8 घंटे में करते हैं उससे ज्यादा 2 घंटे में कर लेंगे। तुम समझदारी की बात कर रहे हो। अगर 2 घंटे भी दुकान में नहीं आए तो मैं चाहो तो सैलरी से 10% काट लेना। 90% चाहिए। हाँ, सोच समझ के बता देना। और अगर ओके है तो और कोई डिमांड तो नहीं? हाँ, वीकेंड आई वांट फुल छुट्टी। हाँ वो किस लिए? अरे हफ्ते भर की थकावट दूर हो जाएगी ना, इसलिए। अभी तेरी थकान दूर करता हूँ, दोबारा शक्ल में दिखाना। अरे यार ये वाली देखना, क्या कातिल फिगर है यार। यार जबरदस्त। क्या देख रहे हो? क्या चिकनी कमर है। इस वीडियो को तो फेसबुक पे अपलोड करूंगा मैं, बहुत व्यूज आएंगे। ज्यादा नहीं आएंगे क्योंकि सिर्फ बैक शॉट देखने में किसी को मजा नहीं आएगा। फ्रंट राइट लेफ्ट टॉप टू बॉटम दिख जाए ना, स्क्रीन लग रही है, तब मजा ही आ जाएगा। ये वीडियो अपलोड करना पुराना ट्रेंड है, आजकल लाइव का जमाना है। हाय गाइस, मैं हूं आपका स्पेशल होस्ट अर्जुन। आपने बहुत तरह की फाइट देखी होगी, अच्छी फाइट, बुरी फाइट, हीरो फाइट, सुपर हीरो फाइट, सोसाइटी फाइट।
लेकिन आज जो फाइट मैं दिखाने वाला हूँ ना, वो आपने कभी नहीं देखी होगी। देखिए लाइव। तुझे कैसे पता? अरे मदिरा के ठेके पे इसका 5,000 उधार बाकी है, वो निकलवाने के लिए सामने वाला कमेंट कर रहा है। इसको मार के सिर्फ मुझे नहीं बहुत लोगों को शांति मिलने वाली है। लाइव फाइट अगर पसंद आई तो मुझे फॉलो कीजिए और मैं इसे अभी सब्सक्राइब करता हूँ। इट्स मी, हाय फ्रेंड्स। तो हमारे ब्रांड न्यू मारधाड़ चैनल को देखने के लिए थैंक्स, और हिंसा से दूर रहिए जब तक कोई छेड़े ना। एंजॉय। करेक्ट टाइम पे ऑफ हो गया, चलो नेक्स्ट टाइम पे एंटरटेन करेंगे। हाय 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 गर्ल्स, तुम अंदर कैसे आए? बस के अंदर क्या, दिल के अंदर आ सकता हूँ। हाय ऑल गर्ल्स। ओ भैया आगे देख के गाड़ी चलाओ। तुम पीछे बैठी हो तो आगे कैसे देखूंगा। बेचारी नंद बस में कब से खड़ी हुई है और तुम इतनी यंग हो के आराम से बैठी हुई हो। चलो उठो, उठो नंदिनी जल्दी। सिस्टर आओ बैठो, बैठो ना। बैठिए। थैंक यू बेटा। खुशबू बहुत अच्छी है, कौन सा शैंपू? Don't touch me. नंदो नंदू बन जा मेरी बंधु, नंदू नखरे करती है मुझ पे गुस्सा करती है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों मेरा पीछा कर करके मुझे टॉर्चर कर रहे हो? भगवान के लिए मुझे शांति से जीने दो। ऐसा करो कि कुछ दिन के लिए गायब हो जाओ, एटलीस्ट कुछ दिन तो मैं शांति से रहूं। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, गो 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 प्लीज गो गो। हाँ? नंदू तेरा मजनू दिखाई नहीं दे रहा, ऐसी फटकार लगाई उसे कि एकदम से गायब हो गया। हे नंदिनी, अर्जुन को समझ के क्या रखा है, डांटने की हिम्मत कैसे हुई उसे? बेचारे को 3 दिन टाउन से बाहर भेज दिया है। अपनी लिमिट क्रॉस मत करना वरना बहुत पछताने वाली हो। ए तुम मिस इंडिया हो, अर्जुन ने थोड़ा भाव क्या दिया, आसमान में उड़ने लगी हो, समझती क्या हो अपने आप को? मेरे भाई को तो रिजेक्ट कर रही है, तेरे से अच्छी मिल जाएगी, चल हट। ए साइड में हट ना, यहाँ ढंग की लड़की ही कहाँ है, वो नंदिनी नाम की लड़की है ना, सबसे वर्स्ट है। अर्जुन भैया से कहूँगी कि उस बंदरिया को छोड़कर किसी और सुंदर लड़की को पटा ले। मैडम मैडम इधर नहीं बैठ सकते, उधर बैठ जाइए। क्यों नहीं बैठ सकते? क्या है ना, किसी ने रिजर्व किया है। मतलब? लंबी कहानी है मैडम, उस दिन अपन टेबल साफ कर रहा था ना, ये रुक जा मेरे शेर, इस कप को छूना भी मत। काय को सर? क्योंकि कॉफी पीने वाली में मेरा हक है, मुझे ये कप चाहिए। मेरे से नहीं, मैनेजर से बात कर लो। कप का कितना लोगे? पर किस लिए चाहिए? इसे टोकन समझ लो, और आज से जिस टेबल पे इसे पिया गया था उस पे कोई नहीं बैठेगा, समझे? पर क्यों? मेरी होने वाली लवर यहाँ बैठी थी, इसलिए ये जगह अब उसकी हो गई। जब तक वो मेरे साथ बैठ के कॉफी नहीं पी लेती, ये टेबल रिजर्व रहेगा, चेयर खाली रहेगी। पर कब तक? जिंदगी भर तक। इस टेबल से जितनी कमाई होती है उसमें 1 रुपया ज्यादा डाल के हर दिन देके जाऊंगा। जितना मैनेजर कहता है उतना पैसा देके जाता है मैडम वो। कमाल है, ऐसे पागल मजनू अब भी होते हैं। अपने हीरो को पागल बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा आशिक ना नसीबदार को ही मिलता है, आप कहाँ समझोगी मैडम। ए इधर आओ, क्या नाम है उसका?
हीरो समझता है? चल हट, चलो यहाँ से। नंदू। I love you. मैं तुम्हारा, तुम मेरी. I love you. You love me too, no? आए नंदिनी? तीन दिन हो गए. सोचा मैं खुद ही तुम्हें अपने दर्शन दे दूं. अभी कभी तुमसे मिलना है. प्लीज आ जाओ ना. सनसेट पॉइंट के पास पॉइंट की बातें करते हैं. तुम्हारा अपना पर्सनल लवर अर्जुन. I love you. ये लो, लव का एग्जाम देकर आ रहा हूँ. अब रिजल्ट क्या आएगा वो तो नहीं पता. मेरे लिए प्रार्थना करना, ओके? ए, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? इडियट, लोफर, ओवरएक्टिंग की दुकान. मेरी लाइफ के सबसे बड़े विलन, सबसे बड़े दुश्मन हो तुम. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. यू इडियट. थैंक यू सो मच. मेरी लवर मेरी ऐसी इंसल्ट करती तो मैं जुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता. इतनी गाली खा के भी शर्म नहीं आती क्या? काहे की शर्म, उसकी गाली तो मुझे गुड्डी के बालों जैसी मीठी लगती है. इडियट, लोफर, ओ एक्टिंग, विलन, एनिमी. तो बच्चों, इडियट से ले लिया आई, लोफर से एल, ओवर एक्टिंग से ओ, विलन से वी और एनिमी से ई. इन सारे शब्दों को जोड़कर कौन सा सेंटेंस बनता है? यस, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है. आई लव. और एंड में उसने क्या बोला था? यू इडियट. तो अब दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं. आई लव यू इडियट, मतलब वो मुझसे प्यार करती है. ए, 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 तू दुनिया का पहला आशिक है जिसको लड़की की हर गाली में प्यार नजर आता है. यार कैसा बेवकूफ इंसान है तू. तू ना सही में इडियट लवर है. यस, आई एम वन एंड ओनली इडियट. आई लव यू इडियट, आई लव यू इडियट, आई लव यू इडियट. आज तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? देखो तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला. लेकिन क्यों यार? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर बिल्कुल ठीक है. आह, पर तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल बकवास है. एटीट्यूड? और मेरा? तुम्हारा नहीं तो और किसका? तुम शायद एटीट्यूड और कैरेक्टर को लेके कंफ्यूज्ड हो. मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा. तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, ये तुम्हारा कैरेक्टर है. पर बदले में तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो कि मैं भी तुमसे प्यार करूं. ये तुम्हारा एटीट्यूड है जिससे मुझे चिढ़ है. लेकिन मुझे तुमसे प्यार है. एग्जैक्टली, यही इसे एटीट्यूड कहते हैं. रुको 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 रुको, जिसे तुम एटीट्यूड कह रही हो उसे मैं सच्चा प्यार कहता हूँ. जो लोग खुद को नहीं पहचानते ना, उन स्टूपिड्स को बताना पड़ता है. यार ये बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, क्या इन्हें प्रूव कर सकती हो? किया तो पीछा छोड़ दोगे? और क्या, 100% छोड़ दूंगा. चलो मेरे साथ. आपको बताया था ना, यही अर्जुन. हाय दादा. हाय दादी. ये मेरे पीजी के ओनर हैं, बिल्कुल मेरे दादा दादी जैसे हैं. इन दोनों की लव मैरिज हुई थी. मुझसे प्यार करते हो अगर इसके सिर्फ दो प्रॉपर रीजन दे दोगे ना, काफी होगा. गो अहेड. नंदिनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये अगर प्रॉब्लम में हुई तो उसे शेयर करूंगा. सुख क्या दुख भी इसके साथ बांटूंगा. एक भी आंसू बहा तो मैं भी रो दूंगा. इसे जो चीज पसंद होगी मैं भी उसे ही लाइक करूंगा. मैं दिल से इसे बहुत ज्यादा चाहता हूँ. कोई लड़का अगर किसी लड़की को इतना प्यार करता हो तो फिर वो उसे कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने देगा. उसे कोई भी दुख नहीं पहुंचने देगा. उसकी आंख से आंसू तक नहीं गिरने देगा. लेकिन तुम उसकी प्रॉब्लम्स भी शेयर करोगे, उसका दुख भी बांटोगे. कहने का मतलब है कि उसके आंसू भी बांटोगे. लेकिन तुम ये वादा करो कि इसको दुख पहुंचेगा ही नहीं, इसकी आंखों से आंसू आएंगे ही नहीं और इसके चेहरे पे हमेशा खुशी ही रहेगी. बिल्कुल सही कहा दादू, इससे ही कहते हैं एटीट्यूड प्रॉब्लम. एक सच्चा प्यार करने वाला ऐसे बात करेगा और जिसे एटीट्यूड प्रॉब्लम होगा वो तुम्हारी तरह बात करेगा. मैं नहीं मानता ये बेकार की फिलॉसफी. सुनो नंदिनी, तुमसे प्यार क्यों ना करे इस बात को लेकर इसके मन में कोई शंका नहीं है, लेकिन तुम इससे क्यों प्यार करते हो इसे लेकर तुम्हारे मन में शंका है. Thank you.
इसकी हर गलत बात को सही नहीं बोल सकता, बिल्कुल साइको हो गई है ये। साइको तुम मुझे नहीं समझाओ। चुप रहो। किस मनहूस घड़ी में मैं इस आदमी से मिली यार। हाय नंदिनी, तुम दीपा हो ना, और तुम हरीश? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम्हारी ही शादी में हमारा टाका भिड़ा था। सॉरी 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 सॉरी, वन वे ट्रैफिक है ना, मुझे प्यार हुआ था। ये बताओ झगड़ा क्या है? कुछ नहीं यार, छोटे मोटे झगड़े। छोटे मोटे? लव मैरिज की थी ना? हाँ, सही कहा। लव मैरिज और झगड़े, इस टॉपिक पे तो ये एक्सपर्ट है। एटीट्यूड का प्रॉब्लम है या कैरेक्टर का? मेरा परफेक्ट है, इसी का झोल है। हाँ हाँ, मैं ही झोलर हूँ, तुम तो कुछ करती नहीं। अच्छा, मैं ही झोलर हूँ। मार रहे हो। ये ब्लेम गेम मत खेलो, इसका कोई अंत नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगी। जिस दिन दोनों एक वेवलेंथ यानी एक ही दिशा में सोचोगे तो सारे मतभेद खत्म हो जाएंगे। कैरेक्टर और एटीट्यूड से बाहर निकलो। ये जो वर्ड है ना अंडरस्टैंडिंग, इसको अंडरलाइन करो। लाइफ हेवन बन जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट बना के देता हूँ। अरेंज मैरिज से ज्यादा ब्रेकअप्स लव मैरिज में होते हैं, और सबका मुद्दा एक ही होता है, पहले तुम कैसे थे अब कितने बदल गए। पहले 100 बार फोन करते थे, अब एक मिस कॉल भी नहीं देते। तारीफ में शायरियां पढ़ते थे, अब एक शब्द भी नहीं बोलते। इंसान के बजाय शिकायती दफ्तर बन जाते हैं। इसलिए जब सच्चा प्यार करते हैं ना, तो कैरेक्टर पे ध्यान नहीं देते, इंटेंशन यानी इरादे देखते हैं। पर शादी होते ही इरादों को छोड़कर कैरेक्टर में कमी ढूंढने लगते हैं। यह गलत बात है। ईगो से काम लेने से कुछ भी नहीं मिलता, इसमें हार प्यार की होती है। एक बार ईगो को थूक कर प्यार की मीठी जबान बोल के देखो, रिश्ते में मिठास घुल जाएगी। प्यार के मामले में तीसरे आदमी का सलूशन सिर्फ टेम्पररी होता है। हाँ? जहाँ तक मियाँ बीवी का सवाल है, उन्हें खुद ही सलूशन ढूंढना चाहिए, वही परमानेंट हो सकता है। अब जाओ, अपनी फैमिली संभालो, अपने वंश को आगे बढ़ाओ। थैंक्स नंदू, तेरी वजह से मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। अब चले, डिफरेंसेस लाइफ का एक पार्ट है, हमें किसी की एडवाइस नहीं चाहिए। सब तेरी गलती है, मैं कुछ नहीं करता। अगली बार किसी तीसरे की सलाह मत मांगना। तुम्हारा दिमाग खराब है, किसी की लड़ाई को ऐसे सुलझाते हैं क्या? जब किसी की बातों में आके प्यार ने किया, तो किसी की बातों में आकर कोई अपना झगड़ा भला क्यों बंद करेगा? जिसने खुद कभी नमक नहीं चखा, वो दूसरे को क्या सिखाएगा कि कितना नमक डालना है? बस दूर से किसी की तकलीफ देखी और उंगली करके उसे और बढ़ा दिया। यही काम है सलाह देने वालों का। उसकी दोस्त हो तो तुम, पर दोस्त होने का फर्ज आज मैंने निभाया। अब तुम कहोगी ये भी एटीट्यूड है, पर नहीं, ये मेरा कैरेक्टर है। पर तुम ये मानोगी नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम मेरे एटीट्यूड में नहीं, तुम्हारे में। कुछ और बोला तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगी मैं। कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? सॉरी कहना तो बनता है। चलो नंदिनी, फ्लो में कुछ ज्यादा बोल दिया ना, सॉरी नंदिनी, प्लीज दिल पे मत लो ना। अरे जबान कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, पर दिल से एकदम। देख बे, पहले से ही टेंशन में हूं, उसे बढ़ा मत। क्या बॉस, तेरे चौकटे पे पूरे 12 बजे बे। उस दिन अपुन फुल टू मस्ती में था बे। जी। डबल स्टैंडर्ड है ना, अपुन ने तो सिर्फ इसके पिछवाड़े का वीडियो बनाया, लाइव टेलीकास्ट में धोबी के माफिक धोया हमें। आज तेरी शराफत कहाँ चली गई बे? तू करे तो भलाई, हम करे तो धुलाई। ये बहुत गलत बात है बे। अबे ओ, ये मेरी लवर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लवर की ड्यूटी शौक से निभा, लेकिन अब ये अपुन क्यों हो गए? हट बे। Ah!
माइनर ऑपरेशन करना होगा, अप्रूवल के लिए साइन चाहिए, ये लो फॉर्म। हेलो, आप लोग घर जाइए। चलो हम चलते हैं, इसकी सहेलियां तो है ना यहाँ। अर्जुन कहाँ है? अभी अभी बाहर गए दवाई लेने। नंदू, नंदू बेटा। मैं कहाँ हूँ? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? आराम से। आपने मम्मी को तो नहीं बताया ना? हमने किसी को नहीं बताया। नंदू, अर्जुन ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, वो नहीं होता तो तू आज जिंदा नहीं बच पाती। नंदू, दो दिनों से, दिन हो या रात, तेरी देखभाल कर रहा है नंदू। ब्लड डोनेट किया, हॉस्पिटल के सारे बिल पे किए, सारी सारी रात तेरे लिए एक पल भी नहीं सोया, वो एक पांव पे खड़ा रहा नंदू। सही है नंदू, तुम पूरी उम्र ढूंढती ही रह जाओगी, ऐसा सच्चा प्यार करने वाला कहीं नहीं मिलेगा। दादू, मुझे अर्जुन के पास जाना है, मुझे उसके पास ले चलो प्लीज। तुम्हें कोई रोक नहीं रहा, अभी रेस्ट करो। दादू प्लीज, मुझे उसके पास ले चलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादू, प्लीज ले जाओ ना। ओके, रिलैक्स करो अभी। खुश होना, कुछ और कहना है तो वो भी कह दो। हॉस्पिटल पहुंचा के बिल पे करने का प्लान काफी अच्छा था कि फिर से तो बिल पे नहीं कर पाएगी, फिर से किसी वकील से कॉन्ट्रैक्ट बनवा लोगे, एक और अग्रीमेंट। काफी दूर का सोचते हो ना तुम, इतना दिमाग कहां से लाते हो, झूठा प्यार दिखाने की भी हद होती है। ये क्या लिखा है, नाम की जगह लवर क्यों लिखा? मैंने कहा मैं तुम्हारी लवर हूँ, सब कुछ तुम अकेले ही डिसाइड कर लोगे, इसीलिए मैंने कहा था एटीट्यूड प्रॉब्लम। और हाँ, मेरी दोस्त ने मुझसे कहा कि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, थैंक्स। वैसे तुमने मुझे कल सुबह 10 बजे एडमिट किया था ना यहाँ, इसका मतलब है कि तुमने पिछले 31 घंटों से यहाँ मेरा असिस्टेंट बनके ड्यूटी की है। एक नर्स को इसी काम के लिए महीने में 12,000 रुपए की सैलरी मिलती है, इसी सैलरी को काम के लिए घंटों के हिसाब से डिवाइड करें तो 31 hours and 43 minutes, मतलब 560 rupees and 72 paise, इसी में हॉस्पिटल बिल के 45,000 जोड़ दें तो टोटल 45,560 rupees and 72 paise, करेक्ट? ये लो, नंदिनी किसी का भी कर्ज वर्ज नहीं रखती, सूद समेत लौटाती है, हिसाब किताब बराबर। इसके बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना,
अब एक सेकंड यहां मत रुको, चलो निकलो यहां से, चलो जाओ, गेट लॉस्ट। हेलो, जरा पीछे मुड़ेंगी, खुद को समझती क्या हो तुम, हाँ किसी रियासत की महारानी हो या ऊपर वाले ने तुम्हें स्पेशली मैन्युफैक्चर करके सीधे धरती पे उतारा है? ऐसा तो नहीं है ना, तुम भी एक आम लड़की ही हो। अगर दोनों को कंपेयर करने बैठेंगे ना तो वो तुमसे 100% बेटर है, समझ लेना इस बात को, चाहे बात कैरेक्टर की हो या एटीट्यूड को, ये एकदम परफेक्ट है। और अगर ये अभी यहां से चला गया ना तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, बेचारा इस डर से चला गया कि शायद वो कहीं तुम्हें खो ना दे। हॉस्पिटल के फॉर्म पर बेचारे ने साइन किया, नाम के बजाय लवर तो जरूर लिखा उसने, लेकिन वो इसलिए नहीं कि तुम्हें उसने टिकट फॉर ग्रांटेड ले लिया है। वो तो बेचारा इतना डर गया था कि वो खुद का नाम तक लेना भूल गया, यही है उसका कैरेक्टर। अरे इतनी इंसल्ट सहने के बाद भी बेचारा तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है, यही है उसका एटीट्यूड। सही कहा था उसने, तुम में एटीट्यूड भरा पड़ा है। ए, इंसान जो कपड़े पहनते हैं, जो चप्पल पहनते हैं ना, उसको तो हम लोग नाप तोल सकते हैं, लेकिन हमारे दिल को कोई मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें फीलिंग्स होती हैं, वो कहीं पर भी, किसी पर भी, कभी भी आ सकती हैं। तुम जैसी लड़कियां ये समझ नहीं पाएंगी। अरे दिल होगा तो किसी और के दिल को समझोगी ना, कुछ नहीं है तुम में, कुछ नहीं है तुम्हें। और एक बात तुम्हें बता देता हूं, जितने इंसानों से मैं मिला हूं ना, सिंसियर लवर अर्जुन जैसा कोई नहीं दिखा, पर तुम ना, छे, गुड बाय। तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा, तू यहां बैठी है वो भी बिल्कुल अकेली और उदास। मेरा मूड बहुत खराब है यार। क्या हुआ तुझे? पता नहीं क्यों। जाने दे, चल मेरे साथ बाहर। कहां जाएंगे? वो मुझ पे छोड़ दे, चलना चलना है यार। नंदू, जब खुश होती हूँ या उदास होती हूँ तब मैं यहाँ आती हूँ, जब तू इसमें जाएगी मुझे पूरा यकीन है कि तुझे अच्छा फील होगा, जाना। और तू? मैं बिल्कुल ठीक हूं, तू जाना यार। यही सोच रही हो ना कि मैं यहां कैसे पहुंच गया? अरे तुम्हारी खातिर मैं यहां तो क्या, अपनी जान पर खेलकर कहीं भी पहुंच सकता हूं। मैं जानता हूं इस पूरी दुनिया ने प्यार का नाम बदनाम करके रखा है, पर मेरी जिंदगी में उसकी जगह यहां पर है, तुम मेरी दुनिया हो। मैं आज तक समझ नहीं पाया कि तुम्हें कभी मेरे प्यार पर एतबार हुआ क्यों नहीं, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। कहते हैं ना कि पाने की ख्वाहिश से कुछ नहीं होता, उसे किस्मत में भी लिखा होना चाहिए, शायद मेरी किस्मत में तुम हो ही नहीं। पर एक बात तो पक्की है, अगले जन्म में मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। मुझे क्या घूर रही हो, केक कट करो ना। अरे बाबा जानता हूं तुम्हारा बर्थडे आज नहीं है, उसे आने में अभी एक महीना बचा है, लेकिन शायद उस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, इसलिए आज ही तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूं। कट करो ना।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nandini. Happy birthday to you. मुझे पता है नंदिनी, तुम मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हो। कल मैं वापस घर लौटने वाला हूं। अब से तुम आजाद हो। बस एक वादा करो कि तुम जिसे भी चुनोगे वो मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करना चाहिए, जो तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दे। कहते हैं कि इंसान को अगर कोई सच्चा प्यार करता है तो वो सिर्फ मां होती है। मुझे तो वो प्यार भी नहीं मिला। मैं नहीं जानता मां की ममता और मां का प्यार क्या होता है। मैंने तो अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देखी। सोचा था वो खालीपन तुम्हारे आने से भर जाएगा, पर कोई बात नहीं, मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। अरे नहीं कर रही मुझे किसी से बात। जानवर इंसान किसी में दिलचस्पी नहीं रही। जा चले जा यहाँ से। ऐ सिला, बाहर जाना है का? जा। हेलो अर्जुन सर, सिला गेट पर भौंक रही थी तो हम उसको बाहर जाने दिए। कहाँ गया? उस तरफ गई है। शीला रुको। शीला, एक तू है जो हर बात मानता है और एक ये दुनिया है जो मुझे समझना ही नहीं चाहती। मुझसे गलती हो गई यार, मुझे माफ कर दे। आज के बाद तुझ पे कभी नहीं चिल्लाऊंगा। मुझे छोड़कर कभी मत जाना शीला, मुझे छोड़ के मत जाना। सब लोग चले गए, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। हेलो बेटा, सब ठीक है? मैं हार गया पापा। अरे हुआ क्या? मैंने आपसे वादा किया था मम्मी के बर्थडे तक उसे अपने साथ लाऊंगा, पर मैं नहीं ला पाया। मैं हार गया। तुम्हारी खुशी से बढ़के हमारे लिए कुछ नहीं, और भगवान ने चाहा तो तुम्हारी खुशी तुम्हें जरूर मिलेगी, और दुनिया की हर खुशी तुम्हें मिलेगी। देखो, दिल छोटा मत करो, सीधे घर आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ? तो तुम घर जा रहे हो? थोड़ा गुस्सा किया तो मुझे छोड़ के जा रहे हो? तो बस यही था तुम्हारा प्यार, आसमान को छूने वाला प्यार? अरे स्टूपिड, तुम ही तो थे मेरा फर्स्ट लव। मैं भी बाकी लड़कियों की तरह जानना चाहती थी तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मेरे लिए कितने पागल हो, मेरे लिए किस हद तक जाओगे, मेरा कितना ख्याल रखोगे, मेरी खुशी से कितना खुश होगे, मगर तुम तो भाग के जा रहे हो। तुम्हें मेरा इतना सा भी ख्याल नहीं आया कि मेरा क्या होगा? तुम इतनी आसानी से कैसे जा सकते हो? भूल गए, तुमने प्रॉमिस किया था कि अपनी मम्मी का बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट करोगे, उसका क्या? मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे? तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हें ऐसे टॉर्चर करके मेरी आत्मा को तो बहुत सुकून मिल रहा होगा, सही कहा? ऐसा नहीं है। शादी वाली रात तुम्हारी बात पर गुस्सा होकर जब मैं वहां से चली गई थी, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि उस रात मैं कितना रोई थी। बस यही सोचती रही कि कहीं मैंने ओवर रिएक्ट तो नहीं किया। मन में यही डर था, कहीं तुम सच में लौट गए और वापस नहीं आए तो। भगवान से प्रे करती रही कि प्लीज किसी तरह तुम्हें रोक ले।
जब 3 दिन तक तुम्हें नहीं देखा, पागलों की तरह तुम्हें ढूंढती रही। हर हाल में तुम्हें अपने सामने देखना चाहती थी। उस दिन बारिश में तुमसे गुस्सा होकर जैसे ही मैं बस में चढ़ी, तुमसे मुंह फेरने के बाद पूरे रास्ते तुम्हारे बारे में सोच सोच कर मुस्कुराती रही। अपने बर्थडे पर मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, पर तुम नहीं आए। मन किया उसी दिन मर जाओ। पता है, जब तुम किसी बात पर खुश होते थे तो मैं रिएक्ट नहीं कर पाती थी, पर तुम किसी बात पर दुखी होते थे तो तुमसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती थी। अर्जुन, शादी का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है सात फेरे। सात फेरों में कुछ कदम साथ चलने से दो लोग एक हो जाते हैं। 72 दिनों में तुम्हारे साथ मैंने कितने कदम चले मुझे खुद भी याद नहीं। अब तुम ही बताओ, प्यार होना नेचुरल नहीं था क्या? उस दिन जब मैं तुम्हारे घर अपने दिल की बात कहने आई थी तो तुमने बिना ये जाने कि मेरे दिल में क्या है, तुमने मेरे सामने अग्रीमेंट फाड़ दिया और कह दिया कि कल से आने की जरूरत नहीं। जब तुम मुझे ढूंढते हुए वापस आए तो मुझे कितनी खुशी हुई। यही जानना चाहती थी कि तुम मेरे लिए कितने लिमिट्स क्रॉस कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये सब किया। तुम ही बताओ कि कौन लड़का किसी लड़की के लिए रोजेस के कार्पेट्स बिछाता है। तुम ही बताओ तुम्हें कैसे जाने देती। एटीट्यूड का प्रॉब्लम तुम में नहीं है। सच कहूं तो मेरे लिए तुम्हारी दीवानगी देखकर मुझ में ही एटीट्यूड आ गया था। बाकी लवर्स प्यार करने के बाद लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन तुम और मैं, हम प्यार करने से पहले लड़ाई झगड़ों का कोटा खत्म कर चुके हैं। अब सिर्फ प्यार ही बचा है। तुम सच में इडियट हो। सोचा था किसी और के साथ शादी करूंगी तो तुम बाइक या घोड़े पर बिठा के मुझे मंडप से उठा के ले जाओगे, लेकिन तुम हो कि खुद ही मुझे छोड़ के जा रहे हो। क्या यही है तुम्हारा प्यार? जिसे प्यार कहते हैं क्या उसे ऐसे छोड़ कर जाते हैं? मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, इडियट। कब से तेरी बकबक सुन रहा हूँ, और कुछ बोलना बाकी है? I love you. और कुछ? मुझे तुम्हें हग करना है। I love you, yeah. Hey, Ramya. किस भी करना है। मैं तो पूरा हिल गया। मतलब हमने इतना वेट भी तो किया है। इसीलिए कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, और ये तो चाशनी से भी ज्यादा मीठा था। और लड़की की किस उसकी मर्जी से ही लेनी चाहिए। वो सब मुझे नहीं पता। मेरा लवर मुझसे बहुत प्यार करता है, बस काफी है।